ऑलराइट रसगुल्ले बच्चों, पूरी क्लास एकदम सीधी बैठ जाएगी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। जल्दी से सभी लोग प्यार से एक बार गुड इवनिंग बोलेंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताओ आप भगवान के बच्चे हो के नहीं हो? है कि नहीं है? तो मुझे बताओ भगवान के बच्चे हंसते है कि नहीं हंसते एकदम प्रेम से? एक प्यारी सी स्माइल लेके आओ थोबड़े पर। गुड। ऑनलाइन लाइव के बच्चों आप भी एक प्यारी सी स्माइल दोगे। ओके, नीचे बैठे हुए रसगुल्ले आप भी एक प्यारी सी स्माइल दोगे चेहरे पर। और किसी भी नीचे के रसगुल्ले का हाथ इधर नहीं आएगा, ऐसा ये यहां से हाथ और कुछ करने लगता है, इसलिए सीधे बैठे रहना। इससे हटोगे? ऑलराइट राजा बेटा जी, आज हम मैं नींद की बात कर रहा था, ठीक है? अब हर चीज तुम भी नींद की बात कर रहे थे, फिर उसमें हंसी आती है तुम्हें। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। सो मैं आपसे अभी आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज हमारा एजेंडा क्या, मैं आपको बता दूँ। कल मैंने आपको सारी चीज़ें तो बता दी थी कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, और तुमको मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाउंडेशन का जो मेरिट है, क्रेडिट है, जितना जल्दी निकालो दिमाग से, भीतर से अच्छा है डे वन से पढ़ाई करने की। और आज हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो तुम्हें पता है आज हम क्या करेंगे? कल मैंने एक बात करी थी कि देर इज अ लेवल डिफरेंस। ओ ऐसा, तुम इधर थे, ऐसा लेवल डिफरेंस है। तो अब इस लेवल डिफरेंस को कवर करने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मुझे नहीं पता कि कौन सा बच्चा कौन से लेवल से पढ़कर आया है, तो मुझे मेरे लेवल तक आपको मैच करने के लिए शुरुआत में आपका सिलेबस करिकुलम शुरू करने के पहले उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसके मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा। ये बेसिक्स कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक्स होंगी, बट बेटा मुझे नहीं पता इसलिए मुझे बेसिक्स पढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, आपको फिर एक तकलीफ होगी, आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो ये चीज़ें कर ली है, बट एक बार करने के बाद में दोबारा भी करना पड़ता है। मेक्स लॉट ऑफ सेंस, मेक सेंस। सरदार जी क्या हाल है, जोरदार स्माइल आई है आपकी। सो I was just trying to tell you, you know, it's not, you don't get tired by doing, you know, I'll tell you. एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन देता है, गुड। सो बेटा जी वो हर रोज क्या करता है? इंजेक्शन ही देता है, इट्स as simple as that. तो कुछ चीजें रिपीटेड करनी पड़ती है, उनमें से एक है बेसिक्स को रिवाइज करना पड़ता है। आशा करता हूं कि अब किसी के मन में डाउट नहीं है और कोई कमी ना ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे ये आता है। और जिस दिन लगे और जब भी लगे आता है, खड़े हो जाना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हारी हेकड़ी खत्म कर दूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इज्जत से, शिद्दत से जो भी बेसिक पढ़ाए जा रहे हैं वो करना। विद्या से हमेशा ध्यान में रखना, विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता है। मैं आज तक इतने दिनों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, आज भी नहीं कह सकता कि मुझे अकाउंट्स आता है, समझे? विनम्रता रहना। मुझे नहीं पता है बेटा कौन सा बच्चा कौन से लेवल पर है, तो मुझे आप सभी लोगों को एक लेवल पर लाने के लिए ये काम करना जरूरी है। समझ में आई बात ध्यान में? बढ़िया, ठीक है। कितने बच्चों ने फाइनल अकाउंट को ऑप्शन में छोड़ा था? आया नहीं वो, ठीक है। ऑप्शन में कितने बच्चों ने छोड़ा था? सो दिख रहे ये तीन चार कमी ने इधर बैठे। अच्छा, कितने बच्चों ने फाइनल अकाउंट को एडलेस से किया था? एडलेस से किया था कि फाइनल अकाउंट में एड ये और ये लेस, ठीक है। एक बार पूछ लेते हैं, तुमने भी एडलेस से किया था। तो राजा बेटा जी ऐसे कुछ दिक्कत है जो उस समय आपको शायद नहीं आई थी, बट इंटरमीडिएट में वो दिक्कत 100% आएगी, इस वजह से हमें वो चीजें करनी पड़ेगी अच्छे से। इज दैट ओके? सो राइट डाउन बेसिक्स फॉर इंटरमीडिएट। ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो तुम भी ध्यान दो, ऑनलाइन लाइव के बच्चे हंसते रहते पागल। हाँ, कंपनी फाइनल अकाउंट स्किप किया था, चिंता मत करो बेटा, अभी मैं कराऊंगा सब। बेसिक्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट। सो बेटा जी पहले आज हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आर वी रेडी? सो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग बोल सकते हो, आप बुक कीपिंग भी बोल सकते हो। कोई है बच्चा इधर जो मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग? अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग वगैरह वगैरह, और कुछ? बोले अभी मेरे को आता है, बोलकर जल्दी बोल दो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, जल्दी से मुझे बताओ। क्या क्या ऐसे बोलोगे जाके? अप डाउन, अप डाउन। हाँ, ये क्लास में कोई नहीं बता पा रहा है बुक कीपिंग क्या है।
कोई नहीं, नहीं नहीं मैंने प्रोसेस पूछा सर, आप मुझे डेफिनेशन बता रहे हो, मैं प्रोसेस पूछ रहा हूं कैसे करोगे। यस, सो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पहले कोई तो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। सो कैन आई नॉट से देर वुड बी वॉट सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है यह आपको समझेगा ऑडिट में, जब आप पढ़ोगे ऑडिट में एविडेंस। एविडेंस अगर नहीं रहेगा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। ऑडिट एविडेंस को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। तो पहले क्या होता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में आप इंटरमीडिएट में यह भी सीखोगे कि कई बार मैनेजमेंट का एस्टिमेट भी होता है, ये केस हम जीतेंगे कि हारेंगे उसके बेसिस पर प्रोविजन क्रिएट होता है। ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट अभी बड़ा विस्तार में चीजें हो जाएगी। कई बार मैं आपको ऐसे शब्द यूज करूंगा AS 22 में, डेफर्ड टैक्स असेट में, कि वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए और वर्चुअल सर्टेनिटी के लिए एविडेंस होना चाहिए और एविडेंस विच शुड बी एज गुड एज एग्जिस्टिंग, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा मैं। तो बेटा उस समय में किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट ये होता है कि जिसके वजह से हम एंट्री करने के लायक होते हैं। वापिस रिपीट करूं, सोर्स डॉक्यूमेंट वो चीज होती है जिसके वजह से हम एंट्री करने के लायक होते हैं। आपने 11th 12th में जरूर पढ़ा था, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कि बेटा जी इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस इज व्हाट, अ सोर्स डॉक्यूमेंट। परचेस इनवॉइस इज व्हाट, अ सोर्स डॉक्यूमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज व्हाट, अ सोर्स डॉक्यूमेंट, राइट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इज व्हाट, सोर्स डॉक्यूमेंट। दिस इज नाउ गोइंग टू एक्सटेंड बियॉन्ड दैट। तो जैसे आज ही मैंने बोला, किसी ने लीगल आपके ऊपर नोटिस भेजी है, अब लीगल नोटिस भेजी है तो वो आप केस जीतोगे कि हारोगे उसमें लीगल काउंसिल का ओपिनियन के बेसिस पर आपका डिसाइड होगा कि प्रोविजन होगा कि नहीं होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट ये होगा, और ये सारी चीजें आपको किस में पढ़ाई जाएगी, ऑडिट में। तो जैसे आप जाओगे किसी हॉस्पिटल का ऑडिट करना है, तो हॉस्पिटल के ऑडिट करने के लिए आपको किन किन चीजों को देखना पड़ेगा, ये सब चीजें कहां पर आती है बेटा जी, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो अकाउंट्स का पहला जो स्टेप है वो सोर्स डॉक्यूमेंट। और आपको ये भी सिखाया जाएगा कंपनी लॉ में कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है एट रजिस्टर्ड ऑफिस। सो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पहले बात होता है अकाउंट्स में, इज दैट ओके। सो यहां से सारी चीजें कनेक्ट होना शुरू करते हैं। जैसे आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो तो आप क्या पूछोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये पूछा होगा आपको, कॉस्ट ऑफ लेबर, यस और नो। कहां से आता है डेटा, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स ये अकाउंट्स मेंटेन करता है, और यहां से डेटा स्प्लिट होता है एफएम के लिए, यहां से डेटा जाएगा ऑडिट के लिए, यहां से डेटा जाएगा आपके लीगल कंप्लायंस के लिए। जब कभी भी आपको बोलेंगे ना कि इनकम टैक्स के रिटर्न भरने के या कंपनी लॉ के हिसाब से आपको एनुअल रिटर्न भरने का, सारा डेटा कहां पर स्टोर होगा बेटा जी, अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स ये ध्यान रखता है जहां पर बुक कीपिंग में पहला स्टेप होता है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा करा जाए, इज दैट ओके। डॉक्यूमेंट आजकल पता है तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, ऑनलाइन सेव करी जाती है। मतलब दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होती है हर एक चीज। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन मतलब सभी के फोटो निकाल कर, ये होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही। आज आप देखो बीपीओ केपीओ ऑपरेट कर रहे हैं, बीपीओ केपीओ में मेरा एक दोस्त है वो काम करता है, तो उनको क्या होता है कि वहां से जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उनकी पूरी की पूरी पीडीएफ आती है ट्रांजेक्शन की, और उसके बेसिस पर यहां पर एंट्रीज हुई कि नहीं हुई ये चेक करते हैं। यस, आई होप यू पीपल हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सोर्स डॉक्यूमेंट। छोटी मोटी चीज है, इल्ले बहुत मस्त है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में क्या होता है बेटे, तो इधर मैं बता दूं क्या तुम्हारे लिए सिंपल, किसी के कोई बस से आया, कौन, अरे वो नहीं रे, तुम पीएमपीएल से कौन है, मेट्रो से कौन है, मेट्रो से एक बच्चा, क्या बात है यार, ताली बजा दो छोरी के लिए, वाह वाह वाह, अंडी बंडी शंडी जो ताली नहीं बजाएगा कैसे कमी नहीं हो यार तुम। नीचे वाले बच्चों मैं तुम्हें भी देखूंगा अभी थोड़ी देर में। गुड छान छान छान, तुम्हारी लाइफ बहुत भारी यार। सो मैं तुमको क्या बोला, मैं आपको ये बता रहा था जो इनको टिकट मिला होगा, आपको टिकट मिला गुड़िया, जिन लोगों ने पीएमपीएल से ट्रैवल किया आपको भी टिकट मिला होगा, दैट इज नथिंग बट सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में बेटा जी नेक्स्ट होता है जर्नल। जर्नल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू वेरियस बुक्स। सो जर्नल कैन आई नॉट से दैट इट विल बी डिवाइडेड इंटू परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कैन आई नॉट राइट डाउन इट वुड बी परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और भी कई सारी बुक्स होती है, और जर्नल प्रॉपर, एग्रीड। आपको एक गुड न्यूज बता दूं कि बेटा जी इन बुक्स का अब आपको कोई लेना देना नहीं है, जर्नल प्रॉपर के बारे में बात करना होगा तो जर्नल प्रॉपर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, इज दैट ओके। जर्नल के बाद में होता है बेटा जी लेजर, लेजर के बाद में होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आशा कर रहा हूं कि आप मेरे साथ ही लिख रहे हो, क्योंकि मैं आगे जाकर है ना इसको बहुत सीरियस बना दूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
सो पहले होता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में होता है आपका जर्नल, जर्नल के बाद में होता है आपका लेजर, लेजर के बाद में होता है आपका ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डू ऑल कॉपी दैट? राजा बेटा जी, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मुझे एक बात बताइए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? सो आपको पढ़ाया गया है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। कैन आई नॉट से ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट? सो आई विल से ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। फिर नेक्स्ट कौन सा होता है राजा बेटा? बैलेंस शीट। और फिर ये आपको पता नहीं है बट मैं अभी आपको बता देता हूं, ये क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। एग्रीड? और फिर राजा बेटा जी क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। कैन आई आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास, अंडर व्हाट सेक्शन डू यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? Schedule 3 is not the section, beta. Schedule 3 is an annexure to the Companies Act. Gudiya Siddhi Bhatt. Schedule 3 is annexure to the Companies Act. मतलब एक schedule दिया हुआ इसको. Section कौन सा? तो कल का homework आपके लिए, कौन से section में company के final account बनते हैं? क्या आप मुझे उतना research करके बता सकते हैं? बहुत easy है. Trick बता दूँ. You can ask your law teacher. You can Google it. But करोगे? तुम्हें पता है? हाँ? अच्छा मतलब फेंकना चालू हो गई पब्लिक? नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, इतना फटाफट नहीं, प्लीज भगवान के लिए नहीं। सो आपको मैं क्या बता रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप मुझे बताओगे। इज दैट ओके? जो आपने बचपन में पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था बेटा जी? प्रोप्राइटर का। और पार्टनरशिप के भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाई किए थे। बट गुड न्यूज ये है कि जो कुछ भी वहां पर पढ़ा था वो अब नहीं आगे, बट वहां पर जो जो चीजें बेसिक्स थी वो हमें एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सेम चीजें कंपनीज एक्ट में भी एडजस्टमेंट के तौर पर आएगी, और कंपनीज के कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे आपको बतानी होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों ने कंपनी फाइनल अकाउंट को ऑप्शन में छोड़ा था? कंपनी फाइनल अकाउंट इन फाउंडेशन, शेयर कैपिटल वाला टॉपिक, डिबेंचर वाला टॉपिक। ओहो काफी अच्छे बच्चे, ओके नीचे ऑप्शन में छोड़ा था ना, तो उस टॉपिक के ऊपर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, सो दैट वी बिकम वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट्स और फिर हम आराम से जा पाए। रेडी है? सो राजा बेटा जी अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे रसगुल्ले बच्चों, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट टेक्स केयर ऑफ व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम एंड एक्सपेंस। बैलेंस शीट टेक्स केयर ऑफ असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ओके सो आई विल रिपीट इट फॉर यू, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट टेक्स केयर ऑफ व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंस। बैलेंस शीट टेक्स केयर ऑफ असेट, लाइबिलिटी एंड व्हाट? कैपिटल। राजा बेटा जी नाउ यू आस्क मी, व्हाट इज एन असेट? डू यू नो व्हाट इज एन असेट? यस। ओके, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल गेट। और कुछ? सो इफ यू गो बाय द टेक्निकल डेफिनेशन गिवन इन द फ्रेमवर्क, इट इज असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कैश। एंड व्हाट इज द लायबिलिटी? लायबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज एक्सपेक्टेड। ये लायबिलिटी। बच गई ना बैंड, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, इसलिए मैं इज्जत से अभी आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, आपकी और मेरी बातों में। जैसे आप फाउंडेशन से अभी आए हो तो उसी तरीके से मैं बताऊंगा। सो बेटा जी रूल नंबर वन है, अकाउंट्स का रूल है, मैंने नहीं बनाया, अकाउंट्स का रूल है कि असेट को डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो उसको हम प्रेम से बोलते हैं, तू डेबिट बैलेंस है। ओके और लायबिलिटी को होता है बेटा जी क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस। बट ये मैं शब्द बैलेंस जो यूज कर रहा हूं गलत यूज कर रहा हूं, बैलेंस नहीं होता है एक्चुअली। इनकम और एक्सपेंस विल गेट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, बट अभी के लिए मैं समझाने के लिए बैलेंस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हालांकि गलत है, बैलेंस नहीं होता क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इनकम और एक्सपेंस गेट्स ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, यस और नो? बट एनी विच वेज हम उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, और एक्सपेंस को कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। कितना प्यारी प्यारी चीज है। मुझे एक बात बताओ, ये बैलेंसेस किसने बनाया? इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? आई लव यू। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। थोड़ा सा आई विल टेल यू, मम्मी पापा की याद आएगी आपको, इट्स ओके, इट्स ओके, हो जाएगा सब नॉर्मल, है ना? मजा आता है, ठीक है? शैल वी गो अहेड? हाँ, ओए इधर है मैं, ऐसा तब देखना जब बहुत पसंद आ जाए, हर बार नहीं, है ना? प्लीज ओनली वंस अलाउड, ठीक है?
वो तेरा चांस खत्म हो गया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. आई एम सेइंग यार मैं थोड़ा सा क्लास में ना माहौल मेरा लाइट ही रहेगा. एक तो पहले तुम्हारा लास्ट लेक्चर, और मैं दूसरा क्या है कि मैं ऐसा सीरियस आदमी हूँ नहीं, मैं थोड़ा सा लाइट चिलपिल आदमी है. और मेरे को ऐसे एक्चुअली कौन क्या सोचता है उसके बारे में घंटा फर्क पड़ता नहीं है. तो चिल रहना मेरे क्लास में, सीरियस मत बनना, ठीक है? इधर ज्ञान मिलेगा बट आराम आराम से धीरे धीरे करते करते, है ना. हाथ इधर रखना अलाउड नहीं है, मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है, ठीक है. सिंसियर रहना भी जरूरी है और मस्ती करते रहना, हंसते रहना, है ना, अच्छा लगता है. अभी तो शुरुआत शुरुआत में मेरे को टेंशन आता है, तुमको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तुम्हें. मतलब ऐसे बैठे हो दबा के थोड़े से भी हिले की प्रॉब्लम, थोड़ा आराम से बैठो, चिल बैठो. अच्छा मैं तुमको ये बता रहा था कि ये जो रूल्स है ना, कि इनको ये बैलेंसेस है. दिस रूल्स आर बीइंग गिवन इन दी व्हाट आई कैन से बेसिक्स ओनली. सो असेट विल हैव अ डेबिट बैलेंस, सो यू कैन नॉट क्वेश्चन इट कि व्हाई इट हैज गॉट डेबिट बैलेंस. सो फिर व्हाई इलेक्ट्रॉन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज? भेंडी तब तो तुमने क्वेश्चन नहीं किया था. व्हाई इलेक्ट्रॉन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज? यू सेड यस. व्हाई प्रोटॉन हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज? यू सेड यस. से यस. So you cannot question my accounts also. They have said it has got this balance, it has got this balance. Okay? So now I'll say asset has got a debit balance. Okay? So अब जरा ध्यान से रखना, शक्कर कैसी होती है और तुम कैसे हो? हाँ. तो मैं आपको बता रहा हूं, शक्कर मीठी होती है. भाई साहब मुझे आज पता चला है, क्लास जोरदार. तो शक्कर मीठी होती है बच्चों. अच्छा मुझे बताओ, शक्कर में और शक्कर डाले तो शक्कर क्या जाएगी? और मीठी. अच्छा ठीक है, एक रसगुल्ला बना रहे अपन, या मिठाई बना रहे, या जलेबी बना रहे, या शीरा बना रहे, उसमें शक्कर डाले तो शक्कर क्या, मतलब शीरा क्या होगा? मीठा. एंड देन आई पुट अप मोर शुगर, देन इट विल बिकम व्हाट? मोर मीठा, मोर स्वीट. और शक्कर डाली और क्या होगा? और मीठा. कॉमन सेंस क्या है? प्लीज यार डोंट, कहां जा रहे हो? सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जिसको जो बैलेंस होता है, अगर वही बैलेंस तब बढ़ता है अगर वो चीज बढ़ रही है. ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल है, कौन सा बैलेंस है इसको? कम ऑन, इट इज एन एसेट, सो इट हैज गॉट विच बैलेंस? मेरे पास और एक मोबाइल आया, और एक मोबाइल आया, डेबिट. एक गया, मतलब असेट अगर बढ़ेगी तो उसको क्या करोगे? डेबिट दोगे. कुल मिलाकर लॉजिक इतना ही है कि जो उसका बैलेंस होता है अगर वो बढ़ता है तो दे दो. असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट. असेट बढ़ी, कम हुई. लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस? लाइबिलिटी बढ़ी, कम हुई. कैपिटल को कौन सा बैलेंस? कैपिटल बढ़ा, कम हुआ. इनकम को कौन सा बैलेंस? बढ़ा, कम हुआ. और एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? बढ़ा, कम हुआ. सिंपल है ये, मतलब इनके ये बैलेंसेस होते हैं और अगर जैसे वो बढ़ेगा या कम होगा उसके हिसाब से उसको बैलेंसेस देना है. सो एक बार लिख कर ले लेते और फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे. ये मुझे समझा नहीं, मैंने बैंक से लोन लिया, फिर बेस्ट है. मैंने बैंक से लोन लिया, क्या करेंगे लोन को? क्रेडिट. मैंने लोन रिपे कर दिया, क्या करूंगा? मैंने घर खरीदा, घर को क्या करूं? मैंने कार खरीदी, कार को क्या करूं? मैंने बाइकों से पैसे लिए, लोन लिया तो क्या करेंगे? क्रेडिट. मैंने मेरा खुद का पैसा बिजनेस में लगाया तो, क्योंकि वो कैपिटल बन जाएगा. तो जो ओनर को बिलोंग करता है उसको हम कहते हैं बेटा जी कैपिटल. ओनर के साथ होने वाली जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम कहते हैं कैपिटल. और जो ट्रांजेक्शन दूसरे बाहर वाले लोगों को पेएबल है उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी. क्या ये बात समझ आती है? राजा बेटा जी, यहां पर कंपनीज में ओनर एक नहीं है, बहुत सारे. कितने लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं? वाओ, तुम मुझे बताओ, तुम ओनर हो उस कंपनी के? तुम कौन से कंपनी के ओनर हो? टाटा पावर. और तुम? वेदांता. वाओ वाओ, छापा छापा छापा. हाँ, बेच दिया था. ओ आई एम सो सॉरी फॉर दैट. रेणुका शुगर्स. वाह, नाम दिख कर लिए क्या? और भी शुगर थी, बलरामपुर चीनी थी, रेणुका शुगर की. अच्छा, और कोई इधर? कोचिंग शिपयार्ड. अच्छा, बढ़िया बढ़िया. तो मैं आपको एक बात पूछूं, इन सभी लोगों से पूछते हैं, ये सभी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके तुम्हें क्या मिलता है? वाओ, डिविडेंड. तो बेटा जी, डिविडेंड इज द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी ओनर्स. सो हमें शेयर कैपिटल के एंगल से देखना पड़ेगा कि ओनर को जो चीजें दी जाती है उसको क्या शब्द यूज करते हैं. फाउंडेशन में आप इसके लिए क्या शब्द यूज किया करते थे? ड्रॉइंग्स. अब आप क्या शब्द यूज करोगे? डिविडेंड दिया. इज दैट ओके? तो इन चीजों के ऊपर चर्चा होगी. और आज और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बात होगी जो अकाउंट्स के रिलेशन में, कि ड्रॉइंग्स कैसे होता है, अपने बचपन में क्या पढ़ा और अब क्या देखने वाले.
इज दैट ओके? सो हियर वी गो बेटा जी, इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैंने बोला कि बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो क्या डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा तो क्या करेंगे डेबिट, और कम हुआ तो क्या करेंगे क्रेडिट, असेट बढ़ी तो क्या करेंगे डेबिट, कम हुई तो क्या करेंगे क्रेडिट, और लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या करेंगे क्रेडिट, कम हुई तो क्या करेंगे डेबिट, और कैपिटल बढ़ा तो क्या करेंगे क्रेडिट, और कम हुआ तो डेबिट। सर फटाफट फटाफट लिखो, हाथ फुर्ती से चलना चाहिए। ऑनलाइन लाइफ के बच्चे बहुत जोरदार है, वाओ, दे हैव गिवन मी द सेक्शन नंबर, बट बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दिया है। फिर क्या करेंगे, शैल वी गो अहेड? कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखो बेटा, ये बेसिक्स ऑफ सी इंटरमीडिएट है, जो जाने के पहले हम देख लेते हैं। आर वी रेडी नाउ? नाउ राजा बेटा जी, अब मुझे आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिख के देने जो असेट्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो लाइबिलिटी होते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो कैपिटल का हिस्सा है, और कुछ एग्जाम्पल जो इनकम और एक्सपेंस का हिस्सा है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू असेट्स। असेट्स इज समथिंग वेर इन यू आर सपोज टू रिसीव कैश। असेट इज समथिंग वेर इन यू आर सपोज टू रिसीव कैश। जैसे डेटर्स, आपको क्या मिलने वाला है, कैश। सो व्हाट इज एन असेट? असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर टू बी रिसीव। नाउ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यहां पर यह समझाता है कि जिससे मुझे क्या मिलने वाला है, कैश फ्लो। तो पहली एक चीज समझ लो कि इस कंपनी फाइनल अकाउंट को शुरू करने के पहले असेट को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि कुछ चीजें हम गलत समझ के आए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये फाउंडेशन में टॉपिक था आपका। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये बीकॉम में भी टॉपिक था आपका। बेटा जी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्या ये असेट है क्या? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज नो मोर एन असेट एट इंटरमीडिएट लेवल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये पांच सालों में हम उसको राइट ऑफ करते हैं, क्या ये असेट है क्या? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ये हम कुछ चीजें गलत पढ़ के आए, इसलिए आज डिस्कस करना जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कुछ लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या ये असेट है क्या? ये भी असेट नहीं है। कई बार एक्यूमुलेटेड लॉस इज रिटन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड, डू यू रिमेंबर दैट? मतलब पी एंड एल अकाउंट में अगर लॉस हो गया, सो लॉस कहां पे दिखाता है? बैलेंस शीट असेट साइड में। क्या ये असेट है क्या? नो, इल्ले, इट्स नॉट एन असेट। प्लीज अंडरस्टैंड सर, असेट के केस में आपको कैश इनफ्लो मिलना चाहिए। चलो बताओ, असेट का सीधा सीधा सिंपल डेफिनेशन क्या है? कि आपको कैश इनफ्लो मिलना चाहिए। कैश इनफ्लो कैसे मिल सकता है? उसको बेचकर, राइट? कैश इनफ्लो कैसे मिल सकता है? उसको बेचकर। तो अगर मैं बात करूं, ये टेलीविजन क्या है? असेट है। फीस रिसीवेबल क्या है? असेट है। कैश खुद एक क्या है? असेट। कैश बाय डेफिनेशन इज एन असेट, इज दैट ओके? स्टॉक असेट, क्योंकि हम स्टॉक को बेच के पैसा ले सकते हैं। यस और नो? राजा बाबू जी, आपके असेट के केस में आपको समझना होना कि जिस चीज से आप पैसा वापस निकाल सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे? असेट। डू यू ऑल एग्री? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नीड नॉट ऑलवेज बी इन कैश, समटाइम्स इट इज इन काइंड। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट need not be in cash, sometimes it can be in kind. Let me explain you this logic very simply. How many of you use prepaid mobile, prepaid, and how many of you recharge for 1 year? कोई होगा ऐसा जो एक साल के लिए रिचार्ज किया था? वेरी गुड, सो यू रिचार्ज इट फॉर 1 year। बेटा इस केस में आपने रिचार्ज किया तो वो प्रीपेड हो गया आपका फॉर 1 year। इन दैट केस यू मे नॉट रिसीव द कैश, इन दैट केस यू मे नॉट रिसीव द कैश, but will you receive the benefit? The answer is yes. Do you copy with this? Yes. मतलब आपको benefit मिलना चाहिए, आपको future के benefit मिलना चाहिए। preliminary expense में कोई ऐसा future benefit नहीं है, discount on issue of debenture में ऐसा कोई future benefit नहीं है। वहां पर concept होता है matching concept, इसके लिए वो write off किए जाते थे। कुल मिलाकर आज मैं आपको बताऊंगा असेट क्या होती है, जिसमें कैश या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कोई भी मिल पाए वो असेट का स्वरूप लेंगे। बट ऐसी कुछ चीजें जो असेट नहीं है, आज हम उनको सिरे से खारिज कर देंगे और हम लिखेंगे कि दीज आर नॉट दी असेट्स एट इंटरमीडिएट लेवल। कुछ बच्चे शायद हो सकता है कि पढ़ के आए होंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस असेट होता है, ना, इट इज नॉट एन असेट, इज दैट ओके? सो शैल वी राइट इट डाउन नाउ? सो असेट के एग्जाम्पल लिखो, असेट्स। एक कोई बच्चा है जो पूरा का पूरा प्योर साइंस बैकग्राउंड से, उसको असेट क्या पता ही नहीं? कोई एक बच्चा ऐसा नीचे? तो असेट के एग्जाम्पल आप मुझे बताओ फिर अभी। वेरी गुड, बिजनेस के एंगल से बोलेंगे, ठीक है? सो प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग तुमने बिल्कुल सही कहा, स्टॉक स्टॉक, फिर तुमने भी बहुत सही कहा बेटा इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड बेटा जी कैश कैश, फिर सिक्स डेटर्स, फिर पेटेंट्स इज वेरी गुड पेटेंट, फिर यू आर सेइंग अगेन वेरी गुड गुडविल, एट इज गुडविल इज एन असेट, कॉपीराइट्स इज एन असेट, बिल्कुल सही, कॉपीराइट, ए आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू यस्टरडे आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम विथ माई स्पेलिंग सर, डोंट जज मी ऑन दैट, और मैं स्पेलिंग लिखूंगा वही स्पेलिंग तो बराबर लिख दूंगा, और कुछ समय के बाद में मैं लिखूंगा तो मैं गलत लिख दूंगा, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, मैं चूक गया तो चूक गया, तो मतलब स्पेलिंग रटने से भी कुछ नहीं, मेरे को आई ई में कंफ्यूजन होता है, ये बात ध्यान में रखना, डोंट जज मी, मैं इंग्लिश बहुत भारी बोलता है, मेरी वोकैब भी बहुत अच्छी है, आई रीड एवरी डे, ओके बट आई कांट राइट, यू कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच सर, कॉपी राइट, तो वो जो लड़की को डायलॉग चिपका था वो मेरे को चिपका रहा है, वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड मी, you understand the subject hopeless so I am saying copyright copyright ho gaya fir aur kaun sa bol rahe the prepaid expense livestock very good beta ji aur idhar reserve fund nalayak gauti gaichap reserve fund is not an asset eda reserve fund investment is an asset debenture redemption reserve investment is an asset redemption reserve or debenture redemption reserve or capital redemption reserve is not an asset it is reserves and surplus okay going ahead wo likh dunga main fir kya beta ji 11th deposits loans and advances gudiya aap kuch bata rahi thi loans and advances gudiya kya bata rahi thi beta miscellaneous income beta nahi na miscellaneous expenses asset hai na miscellaneous income okay beta dar mat accept kar aur aage badh एक किसी को पता है कि मिसलेनियस इनकम असेट है इस क्लास में किसी को पता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट है तो मेरा जो रूल है वो मैं सिर्फ डाउट क्लियर कर रहा हूं तो गुड न्यूज है डाउट क्लियर हो गया बड़ा भी चिड़चिड़ मत कर क्यों नहीं है बोलकर 13 कौन सा है अरे इक्विपमेंट लिखा ना ऊपर अच्छा बैंक बैलेंस बिल्कुल सही फर्नीचर नहीं लिखा है क्या ले भाई 14 फर्नीचर कुछ अच्छे वाले बताओ यार फर्नीचर बेटा इन्वेस्टमेंट लिख दिया अभी इन्वेस्टमेंट किसमें हो सकता है शेयर्स में हो सकता है गोल्ड में हो सकता है लैंड में हो सकता है बिल्डिंग में हो सकता है यस और नो से यस बिल्स रिसीवेबल ये कहां छूट गया था यार 15 बिल्स रिसीवेबल क्या बोला बेटा आपने रॉयल्टी इसीलिए मैं थोड़ी सी देर ज्यादा लिखा रहा था क्योंकि फिर ऐसे नाम निकल निकल के आ गया कमीने रॉयल्टी इज नॉट एन असेट रॉयल्टी इज नॉट एन असेट इट इज एन इनकम और इट इज एन एक्सपेंस रॉयल्टी मतलब कोई बुक लिखता है किताब लिखता है और उसको उसके पैसे दिए जाते हैं वो रॉयल्टी वो या तो इनकम होगा जो जिसको मिल रहा है या जो पे कर रहा है उसके लिए क्या है एक्सपेंस हाँ और कोई एग्जांपल बताओ आउटस्टैंडिंग क्या बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वर्ड हैज टू बी यूज्ड विद ओनली एक्सपेंस इनकम इज रिसीवेबल इनकम इज अक्रूड बट एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग Is that okay? तो तुमने क्या बोला सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बिल्कुल सही हाँ आप कुछ कह रहे थे बुक डेट इज डेटर असेट है और कुछ क्या बोल रहे एडवांस टैक्स क्या बात है कौन है बच्चा ये नहीं एडवांस टैक्स कौन है बच्चा कैन वी क्लैप फॉर हिम राइट एडवांस टैक्स लिखो जो पूजा मैम आपको पढ़ाएगी अभी वो जितना भी आप टैक्स भरोगे उसको क्या बोलोगे एडवांस टैक्स क्योंकि आपको पूजा मैम ने पढ़ाया होगा एक क्या होता है प्रीवियस ईयर और एक क्या होता है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में जितना भी टैक्स भरोगे आप वो एडवांस टैक्स होगा फिर अगले साल उसका असेसमेंट होगा असेसमेंट होने के बाद में वो टैक्स कितना है वो फाइनलाइज होता है सो फॉर द फर्स्ट ईयर एडवांस टैक्स इज ट्रीटेड एज असेट जल्दी से बताओ एडवांस टैक्स क्या है वेरी गुड कीप अप द गुड वर्क एडवांस टैक्स के साथ और एक आइटम लिख दो एडवांस टैक्स इज एन असेट दो मिनट रुकनो ना प्लीज 17 और एक आइटम है बेटा जी डेफर्ड टैक्स असेट डेफर्ड टैक्स असेट डीटीए इज ऑल्सो एन असेट ये अगर समझा है तो प्रॉब्लम है नहीं समझा है तो यू आर गोइंग एब्सोल्युटली राइट अगर डीटीए किसी को इस क्लास में समझा है तो प्रॉब्लम है नहीं समझा है तो यू आर गोइंग राइट डीटीए इज AS 22 आपको कुछ भी आइडिया नहीं है बट डीटीए क्योंकि किसी ने एडवांस टैक्स बोला तो मैंने बता दिया कि डीटीए इज वॉट एन असेट इज दैट ओके हाँ और कुछ नाउ शल हाँ बेटा
क्या कौन सा? वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो एन असेट. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यू कैन राइट डाउन. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन प्रोग्रेस इज वॉट माई डियर फ्रेंड? असेट. हैप्पी? वेरी गुड. स्टॉक इन ट्रांजिट इज एन असेट सर. ले तू लिख दे 19 स्टॉक इन ट्रांजिट. स्टॉक इन ट्रांजिट के बाद में और किसी को कुछ बनाना है? लूज टूल्स इज एन असेट. यस. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन असेट. यस. ये रिटायरमेंट बेनिफिट में हम पढ़ेंगे उसको हम प्लान असेट के नाम से बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोल के था प्लान असेट. प्लान असेट इज ऑल्सो वॉट? एन असेट. हम देखिए और किसी को कुछ बोलना है? डार्लिंग चुप प्लीज. मैंने बोल दिया बात खत्म. अभी कैसे होगा मतलब वो स्टैंडर्ड में जाएंगे तब देखेंगे. प्लान ऑब्लिगेशन इज अ लाइबिलिटी. प्लान असेट इज एन असेट. हाँ डार्लिंग कौन इधर? ना ना गवर्नमेंट सब्सिडीज इज नॉट एन असेट. गवर्नमेंट सब्सिडीज कैन बी रेवेन्यू इन नेचर और इट कैन बी कैपिटल इन नेचर. इधर इट कैन बी अ लाइबिलिटी और इट कैन बी एन इनकम. तो जब तुम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो स्कूल कॉलेज में सब्सिडाइज एजुकेशन मिलती थी. उस केस में सब्सिडी गवर्नमेंट उनको देती थी स्कूल को. वो रेवेन्यू ग्रांट है. और कोई बिल्डिंग बनाने के लिए अगर ग्रांट मिला है तो वो कैपिटल ग्रांट है. बट दैट ग्रांट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड. ओके सो इट इज नॉट एन असेट. हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन असेट. गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन असेट. इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. म्यूचुअल फंड हो सकता है. सब चीजें क्लियर है. इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी 20 वाला लिस्ट अगर हमें लिखना है सो कैन आई नॉट से क्या लिखे? ले भाई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल. कोई अच्छा आइटम बताओ यार. क्या ऐसे? ओहो लीज होल्ड प्रॉपर्टी. कौन है बच्चा? वेरी गुड. लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेटा जी हम सीखेंगे AS 19 में. AS 19 दो टाइप की लीजेस होती है. फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज. सो लीज होल्ड प्रॉपर्टी फाइनेंस लीज में बनेगी. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इनमें से कुछ आइटम समझे ही नहीं? जैसे एक DTA समझा ही नहीं. लीज होल्ड प्रीमाइसेस में फाइनेंस लीज क्या है समझा ही नहीं. बट क्या मेरा रसगुल्ला कम से कम इतना शुरुआत कर सकता है क्या? मतलब मैं तुमको बताऊं जिन्होंने हाथ ऊपर किए तुम कम से कम खुद के दिल से सच बोलकर हाथ ऊपर किया. कुछ लोग कमी नहीं है. फाइनेंस लीज किसी को नहीं समझा घंटा. फाइनेंस लीज की 5 कंडीशन है वो AS 19 में पता ही नहीं है तुमको तो छोड़ो ना. बट कुल मिलाकर ये समझा क्या आगे से मैं देखूंगा फाइनेंस लीज तो हम क्या बोलेंगे उसको? असेट. या आगे से मैं कभी ये चीज देखूंगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? एडवांस टैक्स. तो क्या बोलूंगा उसको? असेट. डेफर्ड टैक्स असेट. तो उसको भी क्या बोलेंगे? DTA को भी असेट. क्या ये बातें क्लियर हो रही है मेरे बच्चों? वेरी गुड. सो आज हमको असेट मालूम पड़ा. आगे बढ़े पक्का मेरे रसगुल्ले बच्चों. आपको क्या लगता है लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? पहले मुझे बताओ लाइबिलिटीज किसको पेएबल होता है? आउटसाइडर को. लाइबिलिटीज और कैपिटल में कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है. लाइबिलिटी और कैपिटल के बीच का फर्क समझ लेना बहुत जरूरी है. लाइबिलिटी वो होती है विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर और कैपिटल वो होता है विच इज पेएबल टू द ओनर. लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे. बेटा जी एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट. बिजनेस और बिजनेसमैन एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है. सो राजा बेटा जी जितना भी पैसा आप लगाओगे बिजनेस में बिजनेस बोलता है हे प्रभु हे ओनर ये पैसा आपको देना बाकी है. मैंने पैसा लगाया धंधे में तो धंधा मुझे क्या बोलेगा कि आपको ये पैसा देना बाकी है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी द कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस कैपिटल. सो कैपिटल में बिजनेस के लिए सिंपल रूल है कि जो पैसा ओनर को वापिस रिपे करना है वो कैपिटल का स्वरूप होगा भले ही किसी भी नाम से हो. और अगर जो पैसा किसको देना है बेटा जी आउटसाइडर को उसको क्या नाम बोलेंगे हम? लाइबिलिटी. इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी लाइबिलिटीज के नाम बताइए. अगर थोड़ा सा हम लॉजिकली जाएंगे तो अच्छा रहेगा. कैन आई स्टार्ट विथ बोरिंग्स? कई बार मैंने ऐसे देखने को मिला है और इंस्टीट्यूट ने भी ये हलगर्जी बना किया है. कई बार लोन्स एंड एडवांस शुड बी ट्रीटेड एज एन असेट. ओके बोरिंग शुड बी ट्रीटेड एज एन लाइबिलिटी. तो जब हम किसी से पैसा उधार में लेते हैं तो उसको शब्द रचना जो यूज करनी चाहिए वो होना चाहिए बोरिंग्स. और जब हम किसी को पैसा देते हैं उधार पर तो उसको शब्द यूज करना चाहिए लोन्स एंड एडवांस. एक्चुअली बैंक ये शब्द यूज करती है लोन्स एंड एडवांस क्योंकि बैंक के लिए लोन असेट है. हम भी वही शब्द यूज करने लग गए हमारे जीवन में कि लोन लिया लोन लिया लोन लिया. बट लोन नहीं हमने बोरोइंग ली उसने लोन दिया. ठीक है. तो लोन्स एंड एडवांस इज एन असेट और बोरोइंग इज अ
लाइबिलिटी. आई होप यू पीपल कॉपी दिस. इज दैट ओके? राजा बेटा जी बोरिंग्स हो गया. बोरिंग्स के बाद में सेकंड बैंक ओवरड्राफ्ट. फिर तुम बोल रही हो कब से चिल्ला चिल्ला के, तो मैंने लिख दिया बिल्स पेएबल. ओ क्रेडिटर्स, उसको ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं. क्रेडिटर्स में शेड्यूल थ्री में इस बार आपको एक अच्छी चीज पढ़नी पड़ेगी. कोरोना के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन छोटे छोटे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड पेएबल का डिस्क्लोजर भी देने के लिए लगाया. तुम्हें पता है कोरोना में क्या कांड हुआ था? कोरोना में बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे नहीं है ये कहकर उन बेचारे छोटे छोटे जो नहीं रहते क्या एमएसएमईज, एमएसएमई समझते हो, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, उनको रीपेमेंट नहीं कर रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे. और क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहे थे तो वो अपने एम्प्लॉइज को नहीं दे पा रहे थे. बड़ी दिक्कत हो गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को यार, लोग जबरदस्ती पेमेंट रोक रहे थे. गवर्नमेंट ने डिस्क्लोजर मैंडेटरी किया कि तुमने कितने ट्रेड पेएबल का पेमेंट नहीं किया है. और फिर गवर्नमेंट ने ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया कि कौन पेमेंट नहीं कर रहा है, और ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी डाली. मतलब हमारा योगदान देखो, जो नरेंद्र जी मोदी कहते कितनी अच्छी बात कहते. देखो तुम समझना इस बात को, कोरोना काल के दौरान ऐसा हुआ कि लोग दूसरे लोगों का पेमेंट नहीं कर रहे. अब सीधी सी बात है, मुझे अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या मैं आगे कर पाऊंगा क्या? फिर वो आगे नहीं कर पाएंगे. तो एवरीवन इज कमिंग इनटू द प्रॉब्लम. द हैरेसमेंट बिगन, सो द चेन वाज ब्रोकन. एंड व्हाई दिस पीपल वर नॉट पेइंग द पेमेंट? दे हैड देयर मनी, दे वर डूइंग द गुड बिजनेस, बट दे डिड नॉट पे जस्ट फॉर वन रीजन, कि भाई सब लोग बोल रहे तो अपन भी बहाना करो. कुछ लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम थे, कुछ लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम ना होते हुए भी कोरोना का बहाना लेकर पेमेंट नहीं किया. अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि फ्लो रुक रहा था. सो अब गवर्नमेंट बोले करे तो क्या करे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको शेड्यूल थ्री में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी ऐसे ट्रेड पेएबल का पेमेंट नहीं कर रहे जो एमएसएमईज है या स्मॉल लेवल पर ट्रेड पेएबल है, जो हम देखेंगे शेड्यूल थ्री में. इससे क्या हुआ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके ऊपर बंधन आ गया कि शेड्यूल थ्री को फॉलो करना है तो उस तरीके का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट तभी साइन करेगा जब वो वाला डिस्क्लोजर दिया जाएगा, और वो वाला डिस्क्लोजर दिया तो यूजर्स को ये सारी बातें पता चल जाएगी कि ट्रेड पेबल का पेमेंट नहीं कर रहे और इनके पास कैश फ्लोस तो है. एंड दैट्स हाउ थिंग्स केम इनटू द पिक्चर. तो तुम्हें समझ में आ रहा है, नरेंद्र जी मोदी कहते हैं ना, एक उनका स्पीच है कि जिसके अंदर आप देश के भागडोर को संभालते हो, इस तरीके से संभाली हमने एक बार, हमारी साइन की वहां पर वैल्यू आती. तो ये आपको डिस्क्लोजर उस एंगल से देखना जरूरी पड़ेगा. एनी विच वेज तुमने बोला था क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल. फिफ्थ लेवल पर क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन बच्चा है रिजर्व्स बोलने वाला? वेरी गुड बेटा, अच्छा हुआ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. रिजर्व्स इज नॉट अ लाइबिलिटी. रिजर्व इज नॉट अ लाइबिलिटी, मैं उस पर आऊंगा, चर्चा करूंगा, चिंता नहीं करो. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सिक्स्थ वाला टैक्स पेबल. अंडरलाइन द वर्ड टैक्स पेबल. पेबल जब भी शब्द आएगा वो लाइबिलिटी है. पेएबल जब भी शब्द आएगा वो क्या है? लाइबिलिटी. मैं आपको आज एक शब्द समझाता हूं. मैं अगर बोलूं सैलरी तो बोलना एक्सपेंस. मैं जब बोलूं सैलरी पेएबल तो लाइबिलिटी. मैं जब बोलूं इनकम टैक्स तो बोलना एक्सपेंस. मैं जब बोलूं इनकम टैक्स पेएबल लाइबिलिटी. मैं जब बोलूं जीएसटी तो एक्सपेंस. मैं बोलूं जीएसटी पेएबल तो लाइबिलिटी. पेएबल शब्द इतना चेंज कर देगा. जल्दी से बताओ, जीएसटी जीएसटी पेएबल, इनकम टैक्स इनकम टैक्स पेबल. कई बार एग्जामिनर बड़ा कमीना होता है, निहायती निखट. मैं आपको ये पूछ रहा हूं, कई बार तो वो है ना इनकम टैक्स लिखता है और क्रेडिट साइड में लिख देता है. अब क्रेडिट साइड में लिखने के बाद में तुम्हें याद करना पड़ता है कि भाई साहब एक्सपेंस होता तो डेबिट बैलेंस आता, ये क्रेडिट आ रहा है तो शायद ये इनकम टैक्स पेबल बोलने की कोशिश कर रहा है. लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होगा, जीएसटी बोला सिर्फ तो डेबिट बैलेंस होगा, जीएसटी पेएबल बोला तो क्रेडिट बैलेंस होगा, डिविडेंड बोला डेबिट बैलेंस. सो राजा बेटा जी एक्सपेंस है, डिविडेंड पेएबल बोला तो लाइबिलिटी. डिविडेंड एक्सपेंस मैंने गलत शब्द यूज किया, अप्रोप्रिएशन है. सो डिविडेंड बोला तो राजा बेटा जी इट इज अ डिफरेंट आइटम. डिविडेंड पेएबल बोला तो लाइबिलिटी. पेबल शब्द जुड़ने से वो लाइबिलिटी बनता है क्योंकि उसका अभी तक भुगतान किया नहीं है. कॉपी दिस. सो आपसे पूछूं सैलरी, सैलरीज पेबल या आउटस्टैंडिंग सैलरीज? अच्छा मैं आपको पूछता हूं वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस? पक्का ना? ओके okay.
आगे बढ़ते हैं, टैक्स पेबल इज सेवेंथ। मैं बोलूंगा तू, क्योंकि मैं फिर कंफ्यूज हो जाता हूं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ए नलायको ऑनलाइन वालों तुम भी एग्जांपल दो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज व्हाट? लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। नाउ यू विल बी वंडरिंग व्हाई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, दृष्टि बोल रही है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। नो 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 नो, प्रोविजंस बात सही है। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्चे, डिबेंचर बराबर है, डिबेंचर लिख दो बेटा जी। एट, डिबेंचर इज अ लायबिलिटी। अच्छा, डिबेंचर इज अ लायबिलिटी कैसे? तुम्हें पता है क्या हुआ कि रिवर्स रेपो रेट अभी रिसेंटली इंक्रीज हुआ था, तब तुम्हें पता है क्या, बॉन्ड्स की यील्ड बहुत बढ़ गई थी और बॉन्ड्स के ऊपर इस बार है ना जो टैक्सेशन बेनिफिट था वो निकल गया। कुछ हुआ ऐसा, मेरे पर भरोसा रखो, मैं सही बोल रहा हूं। तो तुम्हें पता है मैं पैसे कमाता है, बहुत कमाता है, मैंने बहुत पैसे डाले बॉन्ड मार्केट में, खाए के डूब गए, बहुत कमाया एडी, कितना छापा एडी है एकदम। बॉन्ड मार्केट में पैसे, तुम जाके गूगल कर लेना, बॉन्ड मार्केट की यील्ड बहुत अच्छी है, मैंने बॉन्ड मार्केट में पैसे डाले। तो बॉन्ड मार्केट में पैसे डाले तो बेटा मेरे लिए बॉन्ड बने असेट, बट किसी व्यक्ति ने बॉन्ड्स को इश्यू भी किया होगा तो उनके लिए बने लाइबिलिटी। तो बॉन्ड या डिबेंचर को अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो वो बनेगा असेट, बॉन्ड या डिबेंचर को क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो बनेगा लाइबिलिटी। बोल के बताओ, बॉन्ड्स और डिबेंचर को डेबिट बैलेंस आएगा तो वो क्या बनेगा? असेट। बॉन्ड्स और डिबेंचर को क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो बनेगा लाइबिलिटी। सो अगर कंपनीज के बुक्स में आपको दिखा डिबेंचर डेबिट बैलेंस, समझ जाना असेट है, इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर को अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो समझ जाना वो क्या है, लाइबिलिटी। कबूल है? मतलब गेम बैलेंसेस का भी खेलना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, डिबेंचर क्रेडिट बैलेंस लिख देता हूं, है ना? नहीं, वो नहीं जाएंगे। इनकम टैक्स लाइबिलिटी लिखा ना सर, टैक्स पेबल इनकम टैक्स लाइबिलिटी। हाँ, डीटीएल, वेरी गुड बेटा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। गुड़िया सुनना, मैं प्रोविडेंट फंड नहीं लिखूंगा क्योंकि वो प्रोपराइटर तक ठीक है, अभी नहीं लिखना है, इधर अपने लिए रिलेवेंट नहीं, जो रिलेवेंट है मैं वही लिखूंगा, आप बोलते जाओ। हाँ, गवर्नमेंट सब्सिडीज, अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर रॉन्ग है, ये गवर्नमेंट सब्सिडीज बता रहा है, आंसर इज रॉन्ग। गवर्नमेंट सब्सिडी विल बी पार्ट ऑफ इनकम, कैपिटल मान सकते हो तो सर जी कैपिटल में जाएगा ना, लाइबिलिटी कैसे हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट कैन नॉट बी लाइबिलिटी। हाँ बेटा, बेस पेबल को लिख लेते हैं यार, गुड, कमीने आदमी ध्यान देना यार। हाँ, और कौन सा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एनी वन वुड लाइक टू डिफेंड दिस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लाइबिलिटी। आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, इज इट अ लाइबिलिटी? बहुत ये प्रॉब्लम हुई थी इसीलिए मैंने ये बेसिक लेने का डिसाइड किया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट अ लाइबिलिटी। लेट मी राइट डाउन द नेम, व्हाट इज अ लाइबिलिटी? प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, ग्रेच्युटी फंड, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फंड या प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इज लाइबिलिटी माई डियर स्टूडेंट्स, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट अ लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट अ लाइबिलिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एट अ ब्रीफ लेवल, ब्रीफ लेवल पर, ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं। कैन आई आस्क यू व्हाट इज अ लाइबिलिटी इन जनरल? जिसमें मैंने बताया था कि अगर अगर असेट है तो सर उसमें से कैश या इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, लाइबिलिटी है तो इकोनॉमिक बेनिफिट जाएगा, ये लाइबिलिटी होती है। सो बेटा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मीनिंग क्या है पहले बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मीनिंग क्या है बताओ? मतलब डेटर्स का पैसा आएगा या नहीं आएगा ये डाउटफुल है हम, यस और नो? नीचे के रसगुल्ले सीधा बैठ, गाउटी गाइछा बेशरम, ओ झंडू बाम सीधा बैठ उधर कॉर्नर में, इधर हाथ लगा कर बेटा हुक्का मार। हाँ, तुझ हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, ऊपर नहीं आने को ना, वेरी गुड, चेहरे पर स्माइल। शर्मा गया छोरा, मैं आपको ये बता रहा हूं, ए रसगुल्लो कहां तक बात पहुंची थी अपनी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या, पैसा शायद आएगा या शायद नहीं आएगा, इसको ही हम बोलते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा इसमें किसको पैसा देना बाकी है? When there is no outflow of resources, how it can be a liability? Similarly, provision for depreciation. Provision for depreciation का मतलब क्या? Accumulated depreciation, reduction in the value of asset. किसको पैसा देना बाकी है? नहीं, liability के लिए thumb rule is one. There has to be economic outflow of resources.
एन इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू होम आउटसाइडर देन इट इज अ लाइबिलिटी. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ियां बेची, आई हैव सोल्ड अराउंड 1 लाख व्हीकल्स. 1 लाख व्हीकल्स पर मैंने वारंटी दिया है. वारंटी ये दिया है कि अगर इस गाड़ी का इंजन खराब हुआ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो मैं आपको पैसा दूंगा या इसको रिपेयर कर दूंगा. यस और नो? अब इस केस में ऐसा होता है कि मेरे पास पास्ट डेटा ये कहता है कि भाई साहब जितनी भी व्हीकल्स हम बेचते हैं उनमें से 1% व्हीकल वापस रिटर्न आती है या 1% व्हीकल में डैमेज होता है. बेटा जी अब अपने दिल से पूछो क्या ये लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर वारंटी? द आंसर इज यस. क्योंकि क्या इस वारंटी को फुलफिल करने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा? द आंसर इज यस. सो जिस चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा वो लाइबिलिटी का स्वरूप बनता है. जिस चीज में लाइबिलिटी मतलब जिस चीज में पैसा नहीं देना पड़ेगा वो लाइबिलिटी का स्वरूप नहीं बनती. तो जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या था? इज देयर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस? इज देयर एन आउटफ्लो ऑफ कैश? प्रोविजन फॉर ये क्या नाम है उसका? वारंटी. क्या इसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस है? Yes, जिसमें भी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस है, जिसमें भी आउटफ्लो ऑफ कैश है वो लाइबिलिटी है. लेट मी आस्क यू इंटेलिजेंट पीपल, तुम बचपन में कंसाइनमेंट टॉपिक किए होंगे, उसके अंदर एक शब्द था स्टॉक रिजर्व. लाइबिलिटी है? इट इज ऑल्सो नॉट अ लाइबिलिटी. स्टॉक रिजर्व क्या करते थे? हम स्टॉक की वैल्यू को कम करते थे. स्टॉक रिजर्व इज ऑल्सो नॉट अ लाइबिलिटी. Is that okay? वो क्या चीज है हम देखेंगे, बट अभी आज की तारीख में तुमको क्या समझा लाइबिलिटी क्या होती है? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस. पॉइंट क्लियर? ऑलराइट. सो बेटा जी और किसी को कोई लाइबिलिटी के बारे में बता रहा है? मेरे ऑनलाइन के रसगुल्ले से कुछ आएगा सजेशन? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी नहीं है. बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल सही. सरचार्ज इज एन एक्सपेंस. इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंस. सरचार्ज इज एन एक्सपेंस. सरचार्ज पेएबल इज अ लाइबिलिटी. सरचार्ज पेएबल इज अ लाइबिलिटी. पेएबल शब्द आना चाहिए. ओके okay, और कोई? ठीक है. किसका बेटा? ग्रेच्युटी का क्या मीनिंग है? तो ग्रेच्युटी एक्चुअली ये होता है बेटा कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जब रिटायर होगा तब उसकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसके बेसिस पर उसको पैसे देंगे. बट उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी होगी और वो कब रिटायर होगा या बीच में मर जाएगा या बीच में छोड़ के चले जाएगा हमें कुछ नहीं पता है. तो उसके वजह से ग्रेच्युटी का प्रोविजन होता है और वो प्रोविजन लाइबिलिटी का स्वरूप लेता है. यह मैं आपको पढ़ाऊंगा AS 15 रिटायरमेंट बेनिफिट में भी. क्या मेरे रसगुल्ले बच्चे इधर कुछ स्पेशल पॉइंट लिखेंगे अभी 2-3? सो लिख दीजिए नोट्स, स्पेशल पॉइंट्स. नोट्स बाद में लिखाऊं क्या? बाद में लिखा, तुम पहले कंप्लीट कर. बेटा जी अब आपसे प्रश्न है कैपिटल के बारे में, मुझे बताइए. वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सन. लिख दूं पहले ही, भारी वाला है. शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल लिख देता हूं. शेयर कैपिटल, बेटा शेयर कैपिटल इज व्हाट? मतलब कैपिटल इज व्हाट? लाइबिलिटी. जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे उनके लिए एसेट है, जिन लोगों ने इशू किए उनके लिए क्या है? लाइबिलिटी. आज बस इतनी सी बात ध्यान में रख लेना, फेस वैल्यू पर होता है. फेस वैल्यू क्या होता है थोड़ी सी देर में समझाता हूं. शेयर कैपिटल. सेकंड वाला क्या है बेटा? कौन सा? कैश इंट्रोड्यूस बाय बिजनेसमैन इज अ कैपिटल बेटा. तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. कैश इज एन एसेट एंड द सेकंड इफेक्ट गोज इन कैपिटल, सो इट इज अ कैपिटल. व्हाट नेक्स्ट? नेट प्रॉफिट. यस. सो कैन आई नॉट से नेट प्रॉफिट लिख देता हूं इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. यस. ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो, और विड्रॉल अगेंस्ट नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो व्हाट? कैपिटल. व्हाट नेक्स्ट? हां जी. बिल्डिंग फंड. ओके. रिजर्व्स एंड सरप्लस. कैन आई यूज द वर्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस? रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. सो लेट मी राइट डाउन थर्ड वन, रिजर्व्स एंड सरप्लस. बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैं आज आपके सामने दो हिस्से करता हूं. ये कैपिटल का हिस्सा होता है, दो हिस्से होते हैं. इसमें एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व. इज दैट ओके? जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं उनको विड्रॉ किया जा सकता है, जो कैपिटल रिजर्व होते हैं उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता. यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी देर के लिए इधर ध्यान दीजिए. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज थोड़ी सी देर के लिए ध्यान दीजिए. बेटा मैं जब आपसे बात करूंगा तब मैं थोड़ा सा फाउंडेशन का भी आपसे डिस्कशन करूंगा और थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा ऑफ दी थोड़ा
थोड़ा सा फाउंडेशन का डिस्कशन करूंगा और थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपके साथ में जिन्होंने बीकॉम किया है। सो मैं आपको पूछता हूं, जब शेयर फोरफिट होते थे तो फोरफिट होने के बाद में जब हम उसको रीइश्यू करते थे तो बेटा जी वो बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करते थे? बिल्कुल सही, तो आपने क्या बोला, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता था। जब शेयर फोरफिट होकर कैंसिल हो जाने के बाद में जो शेयर फोरफीचर का बैलेंस होता था वो हम कहां ट्रांसफर करते, कैपिटल रिजर्व। और वही जब कभी हम बिजनेस से कोई प्रॉफिट कमाते थे पी एंड एल अकाउंट से, सो वो नेट प्रॉफिट के रूप में आता था। मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछता हूं, जब आपने फाउंडेशन में ये किया था कैपिटल रिजर्व, क्यों ऐसा शब्द यूज किया था कैपिटल रिजर्व? यू मीन इट इज नॉट रिकरिंग? ओके, एनीवन एल्स? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। आपको एक बात आज समझनी पड़ेगी कि बेटा जी कंपनीज एक्ट में जो भी आपका मुनाफा है सारे मुनाफे को ओनर विड्रॉ नहीं कर सकता। कंपनीज एक्ट में जो कोई भी आपका प्रॉफिट है सारे प्रॉफिट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते। नाउ यू हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन योर माइंड, सर व्हाई नॉट? इट्स वेरी सिंपल सर, आप जरा विचार करो कि कंपनीज में पैसा किसका लगता है? शेयर होल्डर्स का। तो अगर पैसा शेयर होल्डर का लगा है तो आपको क्या लगता है, कंपनी का चलना जरूरी है कि नहीं है? क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। अगर कंपनी नहीं चलती है तो प्रॉब्लम होती है कि उनके एम्प्लॉयज कहां जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि राजा बेटा जी जो कोई भी उधर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट किया है, अब कंट्रीज लाइक इंडिया इज व्हाट यू नो, वी आर स्केयर्स ऑफ कैपिटल, तो जो कोई भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है वो सब बर्बाद हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, अभी एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील ने उसको एक्वायर किया। कोई बता सकता है मुझे कौन सी कंपनी को टाटा स्टील ने एक्वायर किया? टाटा स्टील ने कौन सी कंपनी को एक्वायर किया? भूषण स्टील? गूगल कर सकते हो, गूगल कर लो। करो करो करो, गूगल करो, मेरे पर थोड़ी ना भरोसा रखोगे तुम। अरे 3 साल पहले किया होगा, बट भूषण स्टील को किया है तो सर ने एक्वायर। अच्छा तू बोल रहा था कि अभी किसको एक्वायर किया सर? अच्छा ठीक है, टाटा स्टील ने भूषण स्टील को एक्वायर किया था, बराबर है? जरा विचार करो, तुम्हें पता है गवर्नमेंट की क्या चिंता थी? भूषण स्टील जिस प्रकार का स्टील बनाती थी वो स्टील स्केर्स था। स्केर्स था मतलब उसकी जरूरत थी इंडिया में और कम बनता था। कंपनी कुछ कारणों की वजह से बंद हो गई, अगर वो कंपनी नहीं चले तो ऐसा वाला स्टील बनेगा नहीं ना यार। वी वॉन्ट दैट काइंड ऑफ स्टील इन इंडिया, यस और नो? एंड दे वर वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट स्टील। सो कंपनियों को बंद करने में कोई लॉजिक नहीं है, कंपनी चलती रहनी चाहिए। इसीलिए कंपनी का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। क्या कॉपी किया आपने? कंपनी का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इससे आप तुरंत कंपनी के बारे में भी समझ जाएंगे। एक किसान था और उस किसान की जमीन कंपलसरी एक्विजिशन में गई। कंपलसरी एक्विजिशन समझते हो आप? क्या होता है कंपलसरी एक्विजिशन में? रोड बन रही है तो उसके लिए जमीन ले ली गई, डैम बन रहा है इसलिए जमीन अधिग्रहण कर ली गई, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है सो गवर्नमेंट कंपलसरीली एक्वायर कर लेती है, उसमें ऑप्शन नहीं। एयरपोर्ट बन रहा है तो कंपलसरीली एक्वायर हो गया। अब जैसे रिंग रोड बन रहा है पुणे के बाहर, तो आप क्या करोगे? कंपलसरीली एक्वायर करोगे जमीन को। अब बेटा जी क्या हुआ, एक किसान था उसके पास 10 एकड़ जमीन है और उस 10 एकड़ जमीन पर उसने आज तक इतना पैसा नहीं कमाया और उसको इस 1 एकड़ का पैसा मिला अराउंड 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़। तो उसको कितने करोड़ मिल गए? 15 करोड़ रुपीस मिल गए। तो पता है किसान बहुत खुश हुआ। और जो फाइनेंशियली लिटरेट आदमी नहीं है, मैंने बोला नहीं कि इलिटरेट है, मैंने बोला फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, जब बहुत सारा पैसा एक साथ आता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपको थोड़े दिन में अपने आप ही पता चल जाएगा, आपसे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं रहेगा, तुम क्लास में बैठे रहोगे और तुमको पता रहेगा कि घर से पैसे आते और तुरंत खत्म हो जाते हैं। ऐसे किसी के साथ में हुआ अभी कुछ दिनों में कि पैसा पानी के जैसे बह रहा है और घर में मांगने के लिए टेंशन है, क्योंकि तुमको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और धीरे धीरे आ जाएगी तुमको कि पैसा कैसे खर्च करते, बचा बचा के कैसे करने है, बार्गेनिंग कैसे करने का, कैसा जुगाड़ करने का, सब समझोगे आप, सही में समझोगे। मैंने भी सीखा था हॉस्टल डेज। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजा बेटा जी उसके पास 15 करोड़ रुपीज आ गए। अब उसको समझा ही नहीं कि क्या करना, उसको ना म्यूचुअल फंड मालूम ना उसको कोई और चीज पता। तो जैसे जैसे उसको लोगों ने कुछ बताया किया उसने सब खर्चा कर दिया। एंड आई टेल यू व्हाट, ही इज नॉट हैविंग मनी नाउ, क्योंकि उसने बहुत पैसे अंडशन उड़ाए, घर बनाया बड़ा, एक बार क्या कहते हैं उसको, गाड़ियां खरीदी, बेटी की शादी धूमधाम से कर दी, ऐसा वैसा, क्योंकि तब कुछ सोचा नहीं। तुम मुझे बताओ इस आदमी से गलती क्या हुई? सर
जो जो आपकी कैपिटल असेट थी उससे आए हुए पैसे को कंज्यूम करना पाप हो गया, क्योंकि आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हुआ, बट अरे भाई आज के तारीख में जमीन खरीदने भी जाओगे कहीं पर तो आपको 15 करोड़ में ही मिलेगी। जैसे जैसे आपने उसमें से पैसे विड्रॉ किए, इसका मतलब अब आप आजू बाजू के एरिया में कहीं पर भी जाके सेटल होना है तो आप हो नहीं पाओगे। कैसे हो पाओगे? कैन यू कॉपी दिस? अभी 15 करोड़ रुपए आए तो उसका तो कैपिटल असेट गया ना भाई, जो कमाने का जरिया था वो गया। अब जब कमाने का जरिया गया तो अभी होगा क्या कि वो वापिस से कभी जमीन खरीदना है तो उसको पैसा चाहिए, बट पैसा तो उसने उड़ा दिया, तो अब जमीन खरीद पाएगा क्या? नहीं। इससे बिजनेस हो गया वीक। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट या हमारा कंपनीज एक्ट ऐसा बोलता है कि जो कैपिटल प्रॉफिट है, बोले इंग्लिश में कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट है, दैट कैन नॉट बी विड्रॉन। आप सिर्फ ओनर को रेवेन्यू प्रॉफिट से नवाज सकते हो। रेवेन्यू प्रॉफिट वो होता है जो धंधे से आता है, जैसे गुड़िया आपने कहा रेकरिंग इनकम होती है, वो जो धंधा करने से आता है। जैसे आनंद भांगड़िया ने कौन सी इनकम को कंज्यूम करना चाहिए? जो क्लासेस से कमा रहा हूं मैं, क्लासेस को बेचकर नहीं, क्लासेस से जो आ रही है मेरी इनकम वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। आप याद करिए, जो बीकॉम वाले बच्चे हैं और जो फाउंडेशन वाले बच्चे, याद करो जब आप शेयर इशू करते थे और शेयर इशू करते हो उसको कभी कभी प्रीमियम पर इशू करते थे, तो एक शब्द आप यूज करते थे, कौन सा शब्द था वो? वाह दैट्स लवली। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम शब्द का संबोधन करते थे, यस और नो? सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर आपके सुंदर टीचर ने आपको पढ़ाया था तो क्या बोला था वो? रिजर्वेशन सरप्लस है। क्या आप उसको कंज्यूम कर सकते हो? क्या आप उसको विड्रॉ कर सकते हो? क्या उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कंपनीज एक्ट के थ्रू सिर्फ 5 चीजों के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया जा सकता है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि राजा बेटा जी, कंपनीज एक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजर्व को सही से आइडेंटिफाई करना। रिजर्व 2 प्रकार के होते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए विड्रॉ किए जा सकते हैं और कुछ जनरल पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। तो रेवेन्यू रिजर्व से डिविडेंड दिया जा सकता है, कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। आप बोलेंगे सर ये पता नहीं था, पर फाउंडेशन में पता था, एनपीओ में, एनपीओ में याद करिए राजा बेटा जी, बिल्डिंग फंड आप कहां लिखते थे? बिल्डिंग फंड कहां लिखते थे? लाइबिलिटी में। सो बेटा जी, वो एक्चुअली जब प्रॉफिट को कंज्यूम नहीं करना है, किसी फ्यूचर पर्पस के लिए लिखना है, तो हम उसको फंड का स्वरूप देते हैं। सही है सर? नो। जैसे मैं मेरा प्रॉफिट कमाता हूं बट मैं एज अ मैनेजमेंट उसको बोलता हूं कि ये मेरा रिटायरमेंट फंड है, तो मुझे उसको कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी मैं कभी तो रिटायर होऊंगा ना, सो अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो क्या मुझे उस प्रॉफिट को अगर नाम दिया रिटायरमेंट फंड तो कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो कब कंज्यूम करूंगा मैं? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आज आपको समझ में आया कि ओनर के जो भी पैसे है दे आर ट्रांसफर्ड इन टू कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। भाई सुनना यार, मैंने क्लियरली बोला था मोबाइल यूज नहीं करने का। क्या यूज कर रहा था? पेजर, बॉटल था, कोई बात नहीं। तुम कहीं को टेंशन ले रहे? रिलैक्स, चिल। चलो बताओ जल्दी से कौन सा? रेवेन्यू रिजर्व हो गया क्या? सो रेवेन्यू रिजर्व में लिखो पीएनएल अकाउंट, दूसरा लिखो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, और एक लिखो ना प्लीज, जनरल रिजर्व। हैप्पी? जनरल रिजर्व। इधर क्या क्या लिखेंगे? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR भी बोलते हैं इसको। ये फाउंडेशन में शिफ्ट हो गया टॉपिक, और जैसे ही आएगा तुम्हारी थर 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 होगी इधर। DRR, और एक नाम है बेटा जी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नाम सुने हो पांडे जी? ये बीकॉम वाले बच्चों ने सुना होगा। कमीनो हाँ तो बोलो। सर पढ़ा तो था बट क्या था पता नहीं था। CRR, DRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। रसगुल्ले बच्चों, 4th पॉइंट पर कैपिटल रिजर्व। फिफ्थ पॉइंट पर कोई और बताना चाहेगा? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। सो कैन आई नॉट राइट डाउन वर्कमैन
कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये रसगुल्ले बच्चों, जल्दी से मुझे आप एक बात बताएंगे, ये जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं उसको क्या कर सकते हैं हम? विड्रॉ। और राजा बेटा जी, ये जो कैपिटल रिजर्व होते, कैन वी विड्रॉ इट? नो, कैन ओनली बी यूज्ड, कैन ओनली बी यूज्ड एज पर लॉ, कानून के मुताबिक ही ये यूज किया जा सकता है। ओकीज, यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी उसी तरीके से होगा। सर प्लीज एक्सप्लेन डीआरआर। जिस बच्चे को डीआरआर समझ में आया उससे प्रॉब्लम है, मैंने डीआरआर समझाया ही नहीं। मैंने जो समझाया सिर्फ इतनी सी बात कि रिजर्व दो प्रकार के होते, बात खत्म। उनमें से दो रिजर्व, एक है रेवेन्यू रिजर्व और एक है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व को विड्रॉ किया जा सकता है और कैपिटल रिजर्व को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। मैंने किसी नाम को इसके अलावा एक्सप्लेन नहीं किया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बच्चों एक सुनो ना, एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो मैं बेसिक्स बता रहा हूं ना, ये नाम क्यों बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा माइंड सेट क्लियर कर दूं, ये समझा नहीं रहा हूं मैं भी। अभी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट, तो आपके पास ट्रायल बैलेंस आएगा। वो ट्रायल बैलेंस में हर बार कुछ तो भलता ही आइटम आएगा। अब वो जब तुम आइटम देखोगे तब तुम्हारी फटफट फटफट होगी, अरे क्या चल रहा है ये, सही है सर? नो। सो जब वो आइटम्स को देखोगे तो आपका टेंशन आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए मैंने क्या किया, उन आइटम को पहले इंट्रोड्यूस किया। सो हम आइटम्स के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सिर्फ, आई एम नॉट टीचिंग यू दोज आइटम्स। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो अभी मैं जैसे पूछूंगा डीआरआर क्या है तो तुमको तुरंत पता चलेगा कैपिटल है, तो मतलब अब तुमको पता चलेगा कि बैलेंस शीट क्या लाइबिलिटी साइड में जाता है डीआरआर। हम ये मकसद से कर रहे हैं इसको, हमारा मकसद ये नहीं कि हम इसको समझे अभी, इज दैट ओके? तो इसको बड़ा लाइटली लो, बाकी मेरे भरोसे पर छोड़ दो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ये मैं पूछू क्या क्वेश्चन, डीआरआर क्या है? रिजर्व। मैंने बोला डीआरआई, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, तो असेट। चलो बोल के बताओ एक बार इंग्लिश में, डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज रिजर्व एंड सरप्लस, बट डीआरआई, DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट। सो बेटा जी इधर असेट साइड में DRI लिखेंगे क्या? और एक 21 डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इज दैट ओके बेटा? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा वाला कौन सा बेटा जी? इधर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व विल बिकम व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो आशा करता हूं बेटा जी कि अभी आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में पता चला। मैं आपको और एक बात बता दूं, शेयर कैपिटल दो टाइप के होते हैं। पहला वाला कौन सा था बेटा जी? इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज व्हाट? वन टाइप ऑफ शेयर, एंड द सेकंड वन इज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो हाँ बेटा जी, आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या कॉल्स इन एडवांस होते हैं क्या? क्या कॉल्स इन अरियर्स होते हैं क्या? पूछो आपसे, कॉल्स इन एडवांस क्या बोलोगे? कॉल्स इन एडवांस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल और अ लाइबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल और अ लाइबिलिटी, एंड कॉल्स इन अरियर्स इज व्हाट? तो कल मैं इसके ऊपर प्रश्न पूछूंगा, मुझे बताओगे आप। वापस बताऊं, कॉल्स इन एडवांस इज व्हाट? अरे कमीनो, तुम पढ़ के आए हो बचपन में, कॉल्स इन एडवांस क्या है और कॉल्स इन अरियर्स क्या है? होमवर्क लिख कर लो, दो होमवर्क दिया मैंने। कौन सा? एक सेक्शन नंबर ऑफ शेड्यूल 3 या सेक्शन नंबर फॉर व्हाट आई कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इज दैट ओके? सेकंड चीज मैंने क्या पूछी? कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, ये क्या है? आर वी रेडी? रसगुल्लो बच्चों, अभी हम लास्ट पार्ट पर है। लास्ट पार्ट मतलब मुझे एक तो एक सा लग रहा है कि तुम पहले तो थक जाते हो जल्दी से, नहीं? अच्छा, कितने बच्चों ऐसे थके थके लग रहे? कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। इनकम एक्सपेंस को ओरली देख लेते हैं। पहले इनकम क्या होता है बेटा जी? कि इट इज एनहांसमेंट ऑफ एन असेट। सुनो ना, इट इज एन एनहांसमेंट ऑफ असेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी एक्सेप्ट फॉर
कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इक्विटी पार्टिसिपेंट और विड्रॉवल बाय इक्विटी पार्टिसिपेंट. घंटा कुछ नहीं समझा, एक बार वापस बताता हूं. व्हाट इज इनकम एनहांसमेंट ऑफ असेट और डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी एक्सेप्ट एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बाय द इक्विटी पार्टिसिपेंट. एग्रीड? तो इसका मतलब क्या है? सो बेटा जी, अगर ऐसी कोई भी अवस्था हो जिसमें हमारी असेट की वैल्यू बढ़े या लाइबिलिटी की वैल्यू घटे तो वो इनकम है. सो जैसे असेट की वैल्यू कब बढ़ेगी? मेरा डेटर्स बढ़ा, किसके वजह से? सेल्स की वजह से. तो मेरी क्या है? वो इनकम. या मैं आपको दूसरा रीजन बता देता हूं कि अगर किसी भी केस में मैंने कैश में सेल किया तो मेरी कैश बढ़ेगी और मेरा क्या हो जाएगा? सेल. मैंने क्रेडिटर्स को डिस्काउंट ऑफर किया, या मतलब क्रेडिटर्स ने मुझे डिस्काउंट दिया, तो मेरी लाइबिलिटी घटी और मुझे इनकम हुई. बट ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर मेरी असेट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट. तो अगर कैपिटल आया तो उसमें भी असेट बढ़ती है मेरी, से यस और नो? बट बेटा जी, वो मेरी इनकम नहीं है, इट इज व्हाट माय कैपिटल. मैं बोलता हूं गोली मारो. ये मैंने एक्सप्लेन किया टेक्निकल डेफिनेशन, जो हम आगे देखेंगे. अभी के लिए क्या? तुम्हारे लिए एकदम सिंपल, जो पैसा आ गया वापिस देने का नहीं है इनकम. जो पैसा आ गया वापिस देने का नहीं है इनकम. यस और नो? सो राजा बेटा जी, इनकम के एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हो सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या डिविडेंड. यस और नो? यू कैन से एन नंबर ऑफ इनकम लाइक कमीशन रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम वगैरह वगैरह. एक बार लिख लेते हैं. रेंट, रेंट इनकम. सो लिख लो इनकम. इनकम के एग्जाम्पल्स बताओ. क्या बोल रही गुड़िया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एनपीओ का है, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा वो. फीस, बिल्कुल सही. फीस मेरे लिए इनकम, तुम्हारे लिए एक्सपेंस. गुड, चलो तुम लिखो इनकम के. लिखो 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 इनकम के एग्जांपल्स लिखो. खुद आप ही अभी लिखो. नीचे के रसगुल्ले भी लिखेंगे. डिस्काउंट फॉर डेटर्स क्या होता है? एसेट. ए एसेट क्या? एक्सपेंस. इज एन इनकम. सेल ऑफ, सेल ऑफ स्क्रैप इज एन इनकम. बिल्कुल सही. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इज अ गेन, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनकम, बट जनरली इट इज कॉल्ड एज गेन. बोनस रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड, बोनस अगर एम्प्लॉय को मिला है तो ठीक है, बट अगर तुम शेयर्स की बात करो तो गलत है. बोनस दोनों है ना, बोनस शेयर्स पर भी मिल सकता है और बोनस एम्प्लॉय को भी मिल सकता है. एम्प्लॉय को अगर बोनस मिला है तो उसके लिए इनकम है, बट अगर तुम शेयर पर मिले हुए बोनस की बात करो तो इनकम नहीं है. ठीक है, एनी विच वेज इनकम के एग्जाम्पल बता दो बेटा जी. सेल्स, फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट, फिर डिविडेंड. अच्छा, इसको कौन सा बैलेंस होगा बेटा जी? डिविडेंड. इन सभी को क्रेडिट बैलेंस होगा. मतलब जैसे ही डिविडेंड को डेबिट बैलेंस हुआ तो वो इनकम नहीं बनेगा. रेंट को डेबिट बैलेंस बना तो इनकम नहीं रहेगा. कमीशन को डेबिट बैलेंस बना तो वो इनकम नहीं रहेगा. इंटरेस्ट को डेबिट बैलेंस बना तो इनकम नहीं रहेगा. इन सभी के कौन से बैलेंसेस रहेंगे? क्रेडिट, रेंट, राइट, कमीशन, क्या? बैड डेट्स रिकवर्ड. क्या बात है मेरे बच्चे, बैड डेट्स रिकवर्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड, वेरी गुड बेटा. डिस्काउंट रिसीव्ड. रॉयल्टी इफ रिसीव्ड इज एन इनकम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट नाउ. नाउ नेक्स्ट, और कुछ बता सकते हो? डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रॉन्ग आंसर. सेल पर होने वाला प्रॉफिट इज एन इनकम. इट इज गेन एक्चुअली. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इनकम. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इनकम. उस पर होने वाला प्रॉफिट, मुनाफा, कैन बी एन इनकम. इज दैट ओके? सो हम लिखते हैं गेन ऑन ऑन सेल ऑफ असेट. नहीं लिखेंगे वो. और कुछ? अब नहीं है प्रोप्राइटरशिप का. टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम. इल्ल, मतलब विल टॉक अबाउट इट, टैक्स रिफंड किस तरीके से ट्रीट करना, बट नॉट. हाँ, ना 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 ना. परचेस रिटर्न कैसे इनकम होगा? बाप रे बाप रे बाप. मम्मी डैडी, मम्मी है नहीं रे भाई, अभी मत जाओ, मत जाओ प्लीज. एक्सपेंसेस बता दो अभी. एक्सपेंसेस, नहीं एक्सपेंसेस बता दो मुझे. एग्जांपल, वेजेस,
कोई प्रॉब्लम हुई क्या नीचे? वेजेस के बाद में कौन? कोई प्रॉब्लम हुई क्या नीचे? हेमंत फोन कर, कोई प्रॉब्लम हुई क्या नीचे? हाथ करके बताओ ऐसा। परफेक्ट है, आई लव यू, लव यू। वेजेस फेयर सैलरी कमीशन, बेटा इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। फिर इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या बोल रहे बेटा? एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, बिल्कुल सही बेटा। ऑक्ट्रॉय अगर वगैरह, ठीक है बेटा। हाँ, ऑडिट फीस, यस। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आप मेरे साथ लिख रहे हो ना? हाँ, और कुछ? डिविडेंड, अगर डेबिट बैलेंस है तो बेटा मैं इसको अप्रोप्रिएशन बताऊंगा, आई विल नॉट कॉल इट एज एक्सपेंस एट दिस। डिविडेंड पेड आई वोंट कॉल इट एज एन एक्सपेंस, अप्रोप्रिएशन बताऊंगा। हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज, बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन बोल सकता हूं, अमोर्टाइजेशन बोल सकता हूं, इंपेयरमेंट बोल सकता हूं, अमोर्टाइजेशन, यस, इंश्योरेंस प्रीमियम भी, और उसको मैं इंपेयरमेंट भी बोल सकता हूं। इंपेयरमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, बिल्कुल सही बेटा। कौन सा बोला बेटा? लॉस बाय फायर, ठीक है। राजा बेटा सुनो ना, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इन सभी चीजों के बारे में पता चल गया, इज दैट ओके? किसको नहीं पता चला? बेटा आप क्या कर रहे हो, आप आगे की बात बता रहे कि प्रोविजन एक्स्ट्रा हो गया, उसके ऊपर बात नहीं चल रही है। प्रोविजन अगर कोई है तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। वैसे तो किसी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया तो वो भी तो इनकम हो जाएगी ना, जैसे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, उसकी बात नहीं चल रही, आप आगे की बात पूछ रहे हो। अभी के लिए अगर हम बात करें तो हम सिर्फ पूछेंगे कि लाइबिलिटी क्या है या क्रेडिटर्स क्या है, तो आप लाइबिलिटी बोलोगे, है ना? क्या चीज? डिसइन्वेस्टमेंट, डीमर्जर्स वगैरह वाली चीज है, नहीं बात करने की अभी। हाँ होगा ना सर, मैंने कब मना किया, बट वो क्या साधारण चीज थी तो मैंने नहीं लिखा। इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस। चलो सुन लो भाई, क्या मुझे आप एक बात बताएंगे, आपको कुछ नए आइटम्स देखने को मिले, कुछ नए आइटम्स मिले, पता चला कुछ चीजें? चलो, रिजर्व कितने टाइप के होते हैं, कौन से रिजर्व से विड्रॉ हो सकता पैसा, कौन से इसमें से नहीं हो सकता? अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या एक्सपेंस है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस असेट है? एक्सपेंस है, तो चलो आके लिखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक्सपेंस है या असेट है? सो लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज एन एक्सपेंस। अच्छा, और कुछ? डिस्काउंट अलाउड तो एक्सपेंस हो गया, नहीं अभी हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। बेटा कोई भी रिजर्व, ये लाइबिलिटी होती है या रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस होता है? कोई भी रिजर्व, जैसे मैं बात करूं जनरल रिजर्व, डीआरआर, तो ये क्या होता है? दे आर पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, दे आर नॉट लाइबिलिटी। वॉट बिलोंग्स टू द ओनर इज डिस्प्लेड सेपरेटली एंड वॉट बिलोंग्स टू द लाइबिलिटी हैज टू बी डिस्प्लेड सेपरेटली। मैंने आपको ये इतना क्यों कराया और मैं आज आपको जो होमवर्क दे रहा हूं वो आपको क्यों करना जरूरी है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि मैं किस तरीके से काम करता हूं। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट आपका क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जी, इसके पहले जब आप फाउंडेशन में थे तब आपने कभी भी, नेवर एवर इन योर, व्हाट आई कैन से, किधर है, मैं आईसीए में चला गया क्या? जस्ट गिव मी भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो इसके पहले आप कभी भी आपने ये वाली चीज नहीं करी होगी। इधर देखो बेटा, अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो इधर कंपनी फाइनल अकाउंट में ये जो शेड्यूल थ्री है इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसकी चिंता मत करो, ये पूरा रट लोगे आप। उसके अंदर क्या क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डीटीएल, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो पहले आप क्या करते थे 11th 12th या फाउंडेशन में, तुमने कभी ऐसा क्लासिफाई करते देखा? बस आपका रूल क्या था? सिर्फ लाइबिलिटी साइड में जाके लिखो। अब ऐसा नहीं है, लाइबिलिटी साइड में चार पांच आठ टाइप है, आठ टाइप में वो क्लासिफाई होगा।
तो पहला स्टेप मैंने क्या कराया आपको कि भाई साहब इनकम एक्सपेंस लाइबिलिटी कैपिटल और असेट में फर्क करना सिखाया, तो हमने उसके एग्जांपल्स लिखे। अब फर्क के बाद में उसको आठ में क्लासिफाई करने के लिए मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, बट ये क्लासिफिकेशन आना जरूरी है। कल को मैं पूछूंगा डीआरआर क्या है और तुम बोलोगे सर वो लाइबिलिटी है, गया। फिर डीआरआर को क्या बोलना पड़ेगा? रिजर्व एंड सरप्लस। मैं कल को तुम्हें बोलूंगा सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या बोलोगे उसको? रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या बोलोगे? प्रेम से रिजर्व एंड सरप्लस। सर अगर मुझसे गलती हुई तो? होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, बट कोशिश तो कर सकते हैं। जरा विचार करो, अगर हम ये काम करते ही नहीं तो कितना मुश्किल हो जाता, फिर तो बड़बड़ हो जाता। तो इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो क्या आप इसको पढ़ के आएंगे एक बार? कौन सा बच्चा कमीना नहीं पढ़ के आने वाला है? गुड। अभी आपसे एक बात पूछता हूं, गलती हो सकती है हमसे कि नहीं हो सकती है? इधर कोई बच्चा बैठा है जिससे गलती नहीं हुई आज तक? कोई है ऐसा? मतलब मैं पैर छूना चाहता हूँ यार, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ उस आदमी को, हर रोज क्लासेस उसी के लिए देखने के लिए आता हूँ कि कोई है बच्चा ऐसा जिसने आज तक गलती नहीं की। सो रूल नंबर वन ऑफ दिस क्लास, मल्टीप्लाई योर मिस्टेक्स इन द क्लास एट योर होम, नॉट इन द एग्जाम्स। जितने मिस्टेक्स करोगे उतने रेक्टिफाई करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। इज दैट ओके? मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ, मेरी गुड़िया को बोलता हूँ, विद्या को बोलता हूँ, व्हेनेवर शी कमिट्स अ मिस्टेक, मैं उसको पूछता हूँ जब तू पहली बार चल रही थी, ऑन विद गॉड्स ग्रेस वी हैव अ वीडियो ऑफ हर, हमारे पास वीडियो है जब वो चलना सीखी थी। अभी संतोष की गुड़िया चलना सीख रही है, राइट? कभी वीडियो दिखाऊंगा तुमको। तो फिर मैं पूछता हूँ सभी बच्चों से, जब तुम चलना सीख रहे थे फर्स्ट टाइम, तब तुम ज़्यादा गिर रहे थे कि चल रहे थे? सीखे क्या? गिरना नहीं सीखे। ये इधर डिसाइड होता है। अगर आपकी अप्रोच ऐसी है जैसे बच्चों की अप्रोच होती है कि मैं चलना सीखना चाहता हूं और उसमें गिरूंगा तो भी चलूंगा बट उठ के वापस खड़ा हो जाऊंगा, तब तुम चलने लगते हो। बट अगर कोई व्यक्ति माइंडसेट ये रख रहा है कि मैं गिर ही रहा हूं तो गिरते ही रहेगा, क्योंकि उसको डर लगेगा। बच्चे को भी ऐसा लगा ना कि गिर रहा है तो गिर ही जाएगा। सारा गेम कॉन्फिडेंस का, और कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करने का वो समझा रहा हूं। जब अभी इधर गलती आओ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम समझ नहीं रहे हो, यू लर्न। तो आज का मकसद ये नहीं था कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाए। आज का मकसद क्या था? जितना आ रहा है हम सीख रहे हैं, और जो नहीं आ रहा है वो और सीखेंगे। और इसको रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं है, बस दो तीन बार पढ़ लेना आपको ही समझ में आएगा। इट इज लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर। अगर पहले बार में न्यूज़ नहीं समझे तो एक और बार पढ़ लो, दूसरी बार में नहीं समझे तो शायद वो इंटरेस्टिंग नहीं, छोड़ दो। सेम तरीके से आपको इसको भी पढ़ना है, जो चीज़ समझ में आ जाए वो ठीक, जो नहीं आए वो ठीक, इट्स ऑल ओके। इज दैट ओके? सो कोई ऐसा टेंशन नहीं लेगा। तो जल्दी से पूरी क्लास अपनी क्लास का एक नियम बताएगी, जब हम चलना शुरू करते हैं तब क्या होते हैं? हम ज्यादा गिरते हैं कि चलते हैं? है। तो गिरते गिरते हम क्या करते हैं? चलते हैं। बिना गिरे चलते हो क्या? तो गिरना जरूरी है कि नहीं है? हाँ नहीं? कोई है इधर एक बच्चा जो बिना गिरे चल गया? एक भी एक्सेप्शन नहीं, एक भी नहीं। ये साइकिल के साथ कांड हो गया, हम तो साइकिल पर से भी गिरते थे। साइकिल में तुम्हारी जनरेशन ने इतना बड़ा कांड किया है ना, वो बीच में बाजू में कौन दो टायर लगाता है बे? साला मेरा एग्जाम्पल की बम बजा दी। वो बच्चा पिछली बैच में मेरे से भिड़ गया, नहीं सर मैं साइकिल बिना गिरे सीखा। मैं बोला कैसा? बाजू में दो टायर थे सर। कितने बच्चों के बाजू में टायर थे दोनों के? अच्छा बाकी के बच्चों तुम्हारे से पूछ रहा हूं, क्या जब चलना सीखे थे, ये चलना क्या साइकिल चलाना सीखे थे, तो गिरे कि नहीं गिरे साइकिल से? गिरे कि नहीं? बस फिर गिरने के बाद में क्या हुआ, साइकिल सीखे कि गिरना सीखे साइकिल से? स्विमिंग कितने बच्चों को आती इधर? बाकी के कमीनों सीख जाना, नहीं तो गोवा कैसा जाएंगे? तो जब स्विमिंग सीखोगे, जिन जिन बच्चों ने स्विमिंग सीखी है नाक में पानी गए बिना सीखा क्या? हाँ डूबे भी है ना। हाँ सो नाक में पानी गए सिवाय सीख नहीं सकते आप स्विमिंग। जिंदगी का दस्तूर समझो सर, इसका प्रोसेस ही यहीं से है कि कष्ट होंगे, भगवान परीक्षा लेगा, टेंशन देगा, और उसके बाद में से आप उसमें से कैसे निकलते हो बाहर। सो किस चीज को एकदम प्रबल बनाने का, स्ट्रांग बनाने का? माइंडसेट, बहुत स्ट्रांग। एक छोटी सी कहानी सुनकर हम आगे जाएंगे, किसी को गाना गाना है तो गाएंगे, बट अच्छा वाला गाना है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी, क्योंकि मेरा भी लेक्चर ढाई घंटे का ना, पहले अर्लियर आई टू टेक फॉर 2 आवर्स एंड ऑल, और अभी पहला और दूसरा मसला क्या है कि तुम इधर नए नए पोटे हो तो अभी खींच ही नहीं सकते।
और मैं ये भी नहीं कर सकता कि जल्दी छोड़ दूँ, क्योंकि जल्दी छोड़ने की आदत लग जाएगी। हाँ, तो वो भी नहीं कर सकते। तो मेरी बात सुनो। सो कई बार ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे साथ गलत हुआ। ऐसे कितने बच्चों को लगता है मेरे साथ गलत हुआ? नहीं, किस चीज का मतलब इन ओवरऑल यार, गलत हुआ, मेरे को मार्क्स कम मिल गए, फलाना हो गया, ढींगड़ा हो गया, हमका हो गया, ढमका हो गया, लगता है कि नहीं लगता है? तुम्हें पता है, इस जनरेशन का एक बहुत महान योद्धा था, उसके साथ धोखा हो सकता है तो फिर अपन तो कोई नहीं है। और उनका नाम था स्टीव जॉब्स। अपनी ही बनाई हुई कंपनी से उन्हें फायर किया गया, और फिर वापस जब उनसे चली नहीं कंपनी तो वापस उन्हीं को बुलाया गया। समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर दो चीजें सीखने को मिलती है। एक, अगर बुद्धि से श्रेष्ठ रहे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, इसीलिए पूरा का पूरा जिज्ञासा और पूरी की पूरी मेहनत अपनी सरस्वती की आराधना में लगाना, पढ़ने में लगाना, मार्क्स के पास नहीं। जो मार्क्स के लिए पढ़ा उसने बहुत निम्न स्तर का या बहुत लो स्तर का एक ऑब्जेक्टिव अपने जीवन के लिए ढूंढा, मार्क्स के लिए नहीं। नहीं, मार्क्स के लिए पढ़े गए, बर्बाद हो गए तुम। बहुत ही निचले स्तर का हमने कोई एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया लाइफ में। नहीं, तुमने इसलिए पढ़ना क्योंकि आपको मजा आ रहा है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट समझने की मजा आ रही है और उसमें दिल लगाना। तो पहली चीज हमको यह सीखना पड़ता है कि सरस्वती की आराधना करो। आपके काम को कोई भी हरा नहीं सकता, आपको आपके काम से कोई नहीं हरा सकता। जो आपका काम है, जो आपका स्किल सेट है, उसे कोई नहीं हरा सकता। आपको इससे हरा देंगे, किसे? फिजिकली हरा देंगे, बट आपके काम से नहीं हरा सकते। तो हमेशा काम पर फोकस करो, एंड दैट्स व्हाट आई कीप ऑन डूइंग। आई वर्क कंप्लीटली ऑन माय कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, उस पर काम करो। और दूसरी चीज आपको क्या समझनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स आएगी इन सभी के दरमियान। तो अगर आप ये सोच गया ना कि क्लासेस लगाए तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, क्लासेस लगाए तो मैं फेल ही नहीं हो सकता, अबे पैसे से सरस्वती नहीं खरीदी जा सकती। बिना पैसे के भी तो पास हो सकता है, बिना क्लासेस के भी पास हो सकता है। नियम समझो सर, पढ़ाई है, ये नियम है। तुम क्लासेस लगा ली तो तुम पास हो जाएंगे। शी, कोई मां सरस्वती की आराधना कोई अलग बात है सर, नहीं खरीद सकते आप। तो पहले विनम्र बनो, पैसे भरने से तुम्हारा 1% काम भी नहीं हुआ है, 99% के ऊपर का काम बाकी है, और वो आपकी मेहनत से साकार होगा। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, क्यों झूठ बोलूं सर, जबरदस्ती झूठ बोलकर क्या? तो आप अगर ये सोचकर बैठे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं परफेक्ट जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला, बजेगी बहुत। बट अगर इधर से शांत चित्त रहे ना कि दिस आई कैन सॉल्व इट, मैं कोशिश करूंगा, बात खत्म, यू विल बी सक्सेसफुल। ये दो सिद्धांत हम ध्यान रखेंगे। कौन से दो सिद्धांत? हे भाई, तो बाहर जान देना, उठना भाई, भिड़ा है क्या? इधर आ रहे, जल्दी जल्दी आ। येड़े तुझे आइडिया भी है क्या? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, टेक केयर। हाँ, अब आप बैठ जाओ। सो कौन से दो सिद्धांत सीखे आपने? प्रॉब्लम्स आएगी कि नहीं आएगी? पक्का आएगी। और मुझे एक बात बताओ, तुमको किस चीज से नहीं हराया जा सकता? तुम्हारे काम से तुमको कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो तुमको उसमें कोई हरा नहीं सकता। और ये काम करने के लिए क्या चित्त एकदम शांत, माइंड एकदम शांत, यस और नो? और मेहनत करते रहना, आपको कठिनाई भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, ये बात है। क्या हम हमारा मार्क्स ऑब्जेक्टिव रखेंगे या लर्निंग वुड बी एन ऑब्जेक्टिव? बेस्ट है। तो आज अगर जब तुम जाके पढ़ोगे, कुछ चीजें याद नहीं हुई, थर 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 टेंशन लेते आओगे क्या? नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, ऑब्जेक्टिव ठीक रखना। अभी आगे बढ़े। सुनिए अब मेरी बात। अब मैं आपको कुछ जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। इधर कोई बच्चा है जिसको जर्नल एंट्री एक भी नहीं आती? वो नीचे बच्चा क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है बच्चा? वो नीचे क्यों चिल्ला रहा है? वो नॉलेज कर्म योगी। सर मैं तो जा आया गोवा। नहीं, जिंदगी जीना है तो एक बार गोवा जाना चाहिए, मरने के पहले एक बार जाके आ जाना, मतलब सस्ता है बट जाना तो चाहिए यार, गोवा मजा आता है सर। गोवा का वाइब गोवा है सर। इधर कोई गोवा में जन्मा हुआ आदमी है? वाह 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 वाह, गोवा के लोग पुण्य करने के बाद में जन्म लेते उधर, तब तक नहीं ले सकते। एक तो गोवा है और दूसरा है वाराणसी। अरे थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? अरे कैमरा लगा, इसके पापा देख रहे हैं यूट्यूब पर आज।
सही में वहां से आया तू? बोलते हो शर्म आ रही ना लाइक गुड़िया? कुछ नहीं बेटा, मुझे भी नहीं पता, समझा, मुझे भी नहीं समझा ऐसे पता। आई एम वेरी इनोसेंट यू सी। लेट्स राइट डाउन, अरे लिखो रे जर्नल एंट्री, तुम अभी है ना कुछ करोगे और कुछ बोलोगे, साले एक दिन में साधु से तुम क्या बन रहे हो बे? जर्नल एंट्रीज, मी फ्रॉम गोवा, अच्छा जर्नल एंट्रीज, आर वी रेडी? बेटा जी चार जर्नल एंट्रीज तो आनी चाहिए। कितनी एंट्रीज? चार। सो बेटा जी पहला वाला है प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीसरा अबे मत बजा करो मैं नाचने लग जाता हूं, रिंगटोन बजते ही फिर तुमको गंदा लगूंगा मैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बोले हमारा सर कैसा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फोर्थ वाला कौन सा है? अक्रूड इनकम, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, सीख रहा है मेरा बच्चा। प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में है तो असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में है बुमलाइला का है असेट, और अगर एडजस्टमेंट में आए तो उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री क्या होती है जरा सुन लो, प्रीपेड एक्सपेंस, बोलो ना, टू एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। पूछू क्या गुड़िया, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? बाकी को नहीं आ रहा है, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो क्रेडिट कर रहे हो? तो ये ऐड होएगा कि लेस होएगा? इसीलिए इसको बोलते हैं लेस फ्रॉम एक्सपेंस। ये लॉजिक समझा क्या? क्यों लेस फ्रॉम एक्सपेंस? एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस है बट आप क्या कर रहे हो उसको क्रेडिट, सो दिस विल बी लेस फ्रॉम एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस कहां जाएगा बेटा जी? बैलेंस शीट असेट साइड, बिकॉज इट इज एन असेट आइटम। से यस, नहीं एंट्री आती है, समझा नहीं? अच्छा देखो बेटा, पहली बात प्रीपेड एक्सपेंस एक असेट है, असेट को डेबिट बैलेंस होता है राइट, तो प्रीपेड एक्सपेंस को जब डेबिट किया तो मैंने ये बोला ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। आप एक्सपेंस को क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हो ना, तो ऐड होगा कि लेस होगा? एक्सपेंस में से लेस। अभी अगला तुझे ही पूछूंगा, समझ में आ गया ना? पक्का खा कसम, क्या समझ में? क्यों एक्सपेंस लेस होगा? उसका डेबिट नेचर है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम कीड़े कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो उसको क्या करोगे आप? लेस। बात कर, अब मैं दूसरा पूछता हूं बेटा जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री है। वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, इसको क्रेडिट बैलेंस होता है। से यस, प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, इसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। मुझे लगा इतना बताने की जरूरत नहीं है बट अब समझा, मेरे को बताना पड़ेगा। एंट्री क्या है? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चल बता अभी इसमें क्या करेंगे? एक्सपेंस में ऐड। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। आप एक्सपेंस को क्या कर रहे हो कीड़े? डेबिट कर रहे हो ना? ऐड और लेस? ऐड किसमें, मुझमें या एक्सपेंस में? सो कैन आई नॉट से ऐड इन एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी से हो। गुड। कैन आई आस्क यू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज व्हाट? लायबिलिटी। इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस। एंट्री क्या आएगी? इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ए रसगुल्ले, रसगुल्ले। इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? अंडी बंडी शंडी, पूरी क्लास बताएगी अभी। इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? बेस्ट है, इट नेवर फेल्स। सो इट हैज गॉट अ क्रेडिट बैलेंस। आप क्या कर रहे हैं इनकम को? डेबिट कर रहे हो ना, तो ऐड करूं या लेस? लेस फ्रॉम इनकम। से यस। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किधर जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। से यस। गुलाब का फूल। अक्रूड इनकम की एंट्री क्या करेंगे बेटा जी? अक्रूड इनकम, वाओ, टू इनकम। कैन आई नॉट आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास, अक्रूड इनकम क्या है? असेट। अक्रूड इनकम क्या है? असेट। इसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट।
ये बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा, सही है सर? नो, रसगुल्लो अक्रूड इनकम कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। बेटा इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। आप इनकम को क्या कर रहे हो? तो ऐड होगा कि लेस होगा? सो कैन आई नॉट से ऐड इन इनकम? रसगुल्ले बच्चों, क्या मैं इस क्लास से इतनी सी विनती कर सकता हूं क्या कि आपको बैलेंस पहले समझना पड़ेगा कि क्या बैलेंस है? अगर आप उसका उल्टा बैलेंस दे रहे हो तो वो लेस होगा, अगर आप उसका सेम बैलेंस दे रहे हो तो क्या होगा? ऐड। सो कंपनी फाइनल अकाउंट में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि जिसके अंदर एडजस्टमेंट करनी होगी। सो जब एडजस्टमेंट करनी होगी तो मैं एंट्री समझाऊंगा, एंट्री समझाते वक्त मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि एंट्री क्या बनी, बट वो ऐड होगा कि लेस होगा फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा, राइट? जैसे मैं अभी आपको पूछता हूं, मैं एक एंट्री करूंगा, कैन वी फील इट प्लीज, कैन वी ट्राई इट प्लीज, आर वी श्योर अबाउट इट प्लीज? थप्पड़ लगाऊंगे तुरंत बोल रहे हो अभी? अच्छा बेस्ट है। मुझे एक बात बताओ, जीआर को कौन सा बैलेंस होता है? जनरल रिजर्व। मेरे को लेके जा रहे हैं। जीआर को कौन सा बैलेंस है? जीआर जनरल रिजर्व। क्रेडिट बैलेंस। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्लियर है? मैंने एंट्री करी बायबैक में, करूंगा मैं आगे, फील करो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लॉजिक डेवलप करो, क्या कर रहे हैं हम? जनरल रिजर्व में ऐड या लेस? लव यू। और सीआरआर को कौन सा बैलेंस होता है? सीआरआर में ऐड या लेस? बेस्ट है। तो अभी तुमको पता चला जब हम बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करेंगे तो किस में ऐड होगा और किस में लेस होगा, ये उसके नेचर ऑफ बैलेंस पर डिपेंडेंट है। इसलिए इतना लिखा के दिया मियाँ, और इसीलिए अभी वो लॉजिक समझा रहा कि मैं कैसा ऐड लेस करता, उधर डायरेक्ट नहीं करना, बट जब मैं उधर बोलेगा सीआरआर को कौन सा बैलेंस, तो सिखाऊंगा एक बार सीआरआर को क्रेडिट बैलेंस, फिर उसको मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो तुमको समझना ऐड। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कौन सा बैलेंस? सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैंने किया डेबिट, क्या करूंगा? हमारी एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, एक एग्जांपल। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या होगा? ऐड या लेस? और सीआरआर में क्या होगा? कितने स्वीट दिख रहे पता है तुम्हें? कुची कुची कू। शैल वी नाउ गो अहेड? यस मेरे रसगुल्ले बच्चों, मुझे एक बार ये वापस रिवाइज करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बताओ। कुछ लोग ऐसे बाराती की जैसे क्यों आते पता नहीं है, खुद की शादी में आया ऐसे समझो। बाराती आए साला कुछ लेना देना नहीं रहता है, जबरदस्ती आता है, शादी अटेंड करता, तुम नहीं भी आओगे आओगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतने लेस इंपॉर्टेंट हो गया क्या यार? खुद की शादी में ऐसा समझो, खुद का करियर बनाने के लिए आए हो? मेरा करियर बनाने को आए हो क्या? चलो चलो सर को पैसे उड़ा के आते सर पर, क्या कर रहे हैं यार? मेरा करियर ना को बनाओ, खुद का बनाओ। पूछू अभी आपको, एक बार पूरी क्लास एक बार जोश में बोलेगी एंट्री, किसकी एंट्री बोलती? प्रीपेड एक्सपेंस की बोलती है। बोलो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस किधर जाता है? बैलेंस शीट असेट साइड और एक्सपेंस में से। लव यू। मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बताओ। गुड़िया है ना, मुंह से नहीं बोलती है, मन में मत बोल। एक बार वापस बोलेंगे गुंडी के लिए, कौन सी एंट्री बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बोलो। वाह, तो एक्सपेंस में क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर जाएगा? लाइबिलिटी साइड। से यस। रसगुल्ले बच्चे, अगला वाला बताओ मेरे को, थर्ड वाला आइटम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, उसको उसका बैलेंस देने का। इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? त्याच्या मध्ये ऐड की लेस? और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? लाइबिलिटी। और लास्ट वाला अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम टू अक्रूड इनकम कहां जाएगी? बैलेंस शीट असेट साइड। एंड टू इनकम ऐड इन व्हाट? इनकम। पागल, मैं इनकम में ऐड करने के लिए बोल रहा था। गलीच गलीच गलीच। आगे बढ़े भाई, मोबाइल मत यूज कर नीचे, उसको देख भाई,
मैं उल्टा उसको लटका गया मारेगा और उसके बाद में हंसने के लिए बोलेगा कमीने को, उसको बोलो एड़े को, उसको पकड़ा के लेके आ रहे ऊपर ले गया इस एड़े को, ले गया उसको एड़े को, मोबाइल यूज कर रहा कमीना फर्स्ट बेंच पर बैठकर, शेमड़ा शेमड़ा नाक से आता वो नहीं रहता, ऐसे शेमड़े रहते है। ए चल भाई अभी मेरे को और एक इंपॉर्टेंट बात करने की है, तुम्हें पता है तीन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंटिटीज होती है, मस्ती मस्ती में सीख जाओ, किसी को बताएंगे नहीं अपन। पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन रहती है सर्विस सेक्टर, नहीं मालूम, फिर एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर एक होती है ट्रेडिंग। ए वो संतोष को बोल देना मत लेके आए बोलकर, वो फॉर्म फॉर्म में है बस उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई थी इसलिए भेजा नीचे तो उसको छोड़ दो बोलना, रहने देना ठीक है। अब देखना संतोष जबरदस्ती करेगा, नहीं चल बोलकर। सो अभी मैं आपको क्या बताऊं, सुनो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूं क्या बात चल रही थी अपनी। तीन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, एक सर्विस सेक्टर टीसीएस, टीसीएस सर्विस सेक्टर, और मुझे ये बात बताओ तुम्हारा कुरियर वो डॉक्टर नर्स इंजेक्शन लगाते सर्विस सेक्टर, एग्रीड। सो डांस सीखने जाते तुम, कोरियोग्राफी डांस सीखने जाते क्या है सर्विस सेक्टर, बराबर है कि नहीं। हेयर कट कराने जाते सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर समझ में आ गया, भारत सर्विस सेक्टर में बहुत पॉपुलर बहुत भारी। दूसरा वाला सुनो अभी, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा आएगा, जो कुछ बनाते हैं खुद के पास मत देखो, मैन्युफैक्चरिंग, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सेस और जेएसडब्ल्यू स्टील और आइशर मोटर्स, अल्ट्रा टेक, क्या बात है जोरदार। बाकी के कमीनों कंपनियों के तो नाम ले लो, बेशरम। सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भी होती है, तीसरी और एक एंटिटी होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब मालूम है, डीमार्ट नहीं, रिलायंस रिटेल, हाँ कौन, वर्ल्ड मार्ट, एमेजॉन इन सम एक्सटेंट, ये सब क्या होता है ट्रेडिंग एंटिटीज होती है क्या। यस राजा बेटा जी, आप क्या बोल रही गुड़िया, कुछ बोली तू, बोल के चुपके बैठ गई, बोलना तूपल माल के, यस तूपल माल के, अरे निब्बी डरती गई कोई बोलेगा। ए थोड़ा सा क्लास में अगर मैं कुछ बोलू करू ना, यस तुमसे ही सीखी हुई चीजें तुम तक आती है वापिस, तू लोड नहीं लेने का है ना गुड़िया, सॉरी 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 सॉरी, प्यारा बच्चा एकदम। और तुझे कोई कुछ बोले ना बस मेरे को एक बार बता देना, मतलब मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, एक बार किसी लड़के ने ना ऐसा कांड कर दिया था मेरे बैच में और उसने चिढ़ा दिया किसी को, मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, बैच के एंड तक उसको इतना पॉपुलर किया, प्रेस्टीज पॉइंट के बाहर रोड तक थोड़ा निकल जाए ना तब तक उसको पूरी पब्लिक उसी नाम से जानती थी। मतलब मैं ऐसा फेमस कर दूंगा और बहुत गंदा नाम देता हूँ फिर, तो कोशिश कर, और मैं हॉस्टल में रहा हूँ व्यक्ति हूँ तो तुम समझ सकते हो, और मैं कौन से हॉस्टल में रहा हूं मतलब माने मेरी रैगिंग हुई है तुम्हारे जैसे, मतलब जेन्युइनली हमारी रैगिंग हुई है, हमारी जेन्युइनली रैगिंग हुई, हमने क्या क्या किया हम बता नहीं सकते, हम ट्रेन के डिब्बे में बैठकर क्या क्या किया हमें पता है, ट्रेन के डिब्बे में बैठ के बहुत कराते थे भाई। शिट तुमको कुछ आइडिया नहीं ना, बहुत बोले हो तुम, ठीक है नहीं छोड़ो यार अभी बहुत गंदा हुआ था वो। सुनो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुख बांटना चाहिए पागल, ये तो सबसे बड़ा सुख है और सुख हर एक के साथ नहीं बांट सकते। सुनो मेरी बात, नहीं दोज आर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, आई वुड नेवर एवर फॉरगेट देम, द बेस्ट डेज, एंड आई एम श्योर यू आर ऑल्सो लिविंग द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, द बेस्ट। इसके अच्छे दिन नहीं आ सकते अगर इस दिन को जिए तो, बहुत बेस्ट दिन है भैया, मजा आता है बहुत मजा, किसी चीज का डर ही नहीं, और जो डिसीजन तुम अभी ले सकते हो ना फास्ट, जैसे कुछ बच्चे डिसीजन लेंगे आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आज ऑनलाइन देखूंगा, कितना फटाफट मैं ले सकता हूं अभी ये डिसीजन, मैं आज क्लास नहीं जाऊंगा ऑनलाइन पढ़ूंगा, मैं नहीं ले सकता, औकात ही नहीं है मेरी, तुम मुझसे औकात में कई गुना बड़े हो। तुम ऐसे डिसीजन लोगे, कई बार बच्चा सुबह सोता रहेगा, सोता आज नहीं, आज सर इजी पढ़ाने वाले है, आज का हम खुद पढ़कर ही कर लेंगे बहुत फास्ट, तुमको तुम्हारे साथ होगा तुम बताना मुझे, मुझसे कई ऊपर हो तुम। पहले लिखो बेटा जी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ये शुरुआत के कुछ दिन आई विल बी वेरी वेरी लाइट, क्योंकि तुम पहले इधर स्टेबल हो जाने को टाइम लगता,
स्टेबल हो जाओ, पहले बैठने की कैपेसिटी ले आओ। जैसे अभी ये बोल रही कब से, मुझे छोड़ दो सर, मुझे जाना है, मैं अंदर बैठी हूँ सर, इसीलिए निकल नहीं पा रही हूँ। So this is going to be last lecture. This is going to happen. So I'm gonna keep it really very light. और आप भी है ना ऐसे हंसते खेलते किया करो, easily हो जाती चीजें। नहीं तो पता चलेगा पढ़ाई करते करते दुखी हो रही पब्लिक, कोई लेना नहीं देना। मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कौन सा है? ट्रेडिंग। तीसरा कौन सा है? हाँ अच्छा, सर्विस सेक्टर। सो बड़ा सर्विस सेक्टर को हम इग्नोर मारेंगे क्योंकि उसमें कोई इन्वेंट्री नहीं होती है, अगर होती भी है तो कंज्यूम्ड कैलकुलेट होता है, वो समझा दूंगा। तो सर्विस सेक्टर इज वेरी इजी। मैन्युफैक्चरिंग में तीन प्रकार की इन्वेंट्री होती है, पहले रॉ मटेरियल, बोलो इंग्लिश में क्या? आहा आहा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, राइट? जैसे स्टील, सीमेंट, कच्चा माल, यू अंडरस्टैंड, जो प्रयोग में लाया जाता है किसी चीज को बनाने के लिए। जैसे मुझे बताओ पेट्रोल किससे बनता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? रॉ मटेरियल। से यस, पता चल रहा है ना? वेरी गुड सर। सर सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठ। मुझे लगा तुम इधर कर रहे, सॉरी सर, सर माफी। सो रॉ मटेरियल के बाद में कौन सा? वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ओके, दो टाइप के वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और एक इन्वेंट्री का भी वर्क इन प्रोग्रेस। एग्रीड, वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तीसरा, कितना प्यारा बच्चा है, फिनिश गुड्स। इसमें सबसे ज्यादा कंपनी फाइनल अकाउंट में उन्होंने कॉम्प्लिकेट करी है चीजों को, सही शब्द का उच्चारण नहीं करना, बस इतना ही प्रॉब्लम क्रिएट किया, बाकी तुमको समझ में आ रहा है। अभी एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है फिनिश गुड्स। इधर होता है ट्रेडिंग में ट्विन ट्विन और ट्विन नहीं, हाँ बस चल झिट्टे, इसको बोलते हैं इधर स्टॉक इन ट्रेड। क्या ओपनिंग कैपिटल रेट है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिसको हम खरीद रहे बेच रहे। तो तुम नीचे चले जाओगे कपड़ों की दुकान में तो वहां पर कपड़े खरीद रहे बेच रहे, कोई बना रहा नहीं है। जब तुम नीचे चले जाते हो तो वहां पर तुमको मैगी मिलती है, मतलब पैकेट पैकेट पैकेट, हाँ नहीं तो कोई चिल्ला के बना के देते सर इधर, पैकेट की बात कर रहा हूँ। तो पैकेट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड, वो बनाते नहीं है, मैगी का पैकेट नहीं बनाते, ठीक है? मेरे से गलती होगी, मैंने गलत एग्जाम्पल दी, मैगी बनाते हैं मुझे भी पता है, ठीक है? पेन पेन पेन, नीचे पेन खरीद के लाया, बुक वहां से लाए या घर से लाए? बुक कैसे लाए? खरीद के लाए, बुक बना कर देते कि यो तेल लगा लेकर आ रहे हो साला, भाले से कुछ नहीं होगा, कोबरा का उस पर जहर लगाना पड़ेगा फिर। सुन रहे हो मेरी बात? एक अपना और एक डायलॉग चलता है, वो थोड़े दिन बाद आएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं आपको ये बता दूं, रॉ मटेरियल जो होता है ये कच्चा माल होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि अगर कोई कार बन रही है तो कार बनने के लिए आपको क्या क्या चीज का रॉ मटेरियल लगता है? रबर लगता है, और स्टील लगता है, और फाइबर, ग्लास, लाइट्स, बैटरी, सीट। हाँ बस, मैं समझ गया हूं, आपको रॉ मटेरियल समझ में आ चुका है। अच्छा चलो, तुम्हारे थोड़े से बचपन में चलते हैं। बचपन में जब तुम छोटे थे, टीचर देती थी प्रोजेक्ट करके आना है, और फिर तुम तो करते नहीं थे, तुम्हारी माँ कंप्लीट करती थी। प्रोजेक्ट कौन से बनाया? घर बनाया होगा, स्नोमैन, वाह बताएगी बेटा, गर्ल्स से एग्जाम्पल एक से एक मिल जाते हैं। यार दो मिनट रुको, मस्त एग्जाम्पल मिलेंगे अभी। हाँ स्नोमैन एक बना, और हाँ क्या बोल रही है? वाटर साइकिल, विंडमिल, वाह। पर तुमने एक चीज देखी, ये स्नोमैन बना कर गई थी, और स्नोमैन किसका बना पता है? रुई का। मतलब कितना जलील की है बे, बच्चों के इमोशन के साथ खिलवाड़ है ये। रुई का स्नोमैन कौन बनाता है यार, कैसी टीचर है? थर्मोकोल के ऊपर रुई बने। So, कुल मिलाकर अभी आप अगर समझोगे तो जो जो वस्तुएं इसको विंडमिल बनाने के लिए लगी, इसको बाइक बनाने के लिए लगी, इसको स्नोमैन बनाने के लिए लगी, उन सभी चीजों को रॉ मटेरियल बोलते हैं। या आई हैव अंडरस्टूड, सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? व्हेन द प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट,
इट इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस. जैसे पंखे को देख रहे हो आप, वाव, इस पंखों की तीनों पंखुड़ियों को निकाल दिए तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो घूमेगा तो सही पर कुछ फायदा नहीं है उसका. समझे? जैसे तुम सीए वर्क इन प्रोग्रेस हो अभी, राइट? ये बेंच दिख रही है तुम्हें? जस्ट इमेजिन कि जिस पर तुम बैठे हो गायब, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा. समझे? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ना पूरा बना है, ना ऐसा भी नहीं बोल सकते कि शुरू भी नहीं हुआ, बीच में अटका हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस. जैसे गाड़ी बनी हुई, टायर नहीं लगे हुए, इंजन नहीं लगा हुआ, बट ऊपर का पोर्शन बन चुका है, ग्लास नहीं लगे, वर्क इन प्रोग्रेस. यस. और फिनिश गुड्स माने जिसको हम बेचने के लिए अब तैयार है, वो बन गए फिनिश गुड्स. ध्यान रहे, फिनिश गुड्स ये शब्द रचना यूज करने का फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, क्योंकि जब फिनिश गुड्स शब्द आएगा तब अगर कोई परचेसेस बोले तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, वो रॉ मटेरियल होगा. दोबारा रिपीट करता हूं, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा फिनिश गुड्स है तो उसके साथ जो परचेसेस शब्द जुड़ के आएगा वो रॉ मटेरियल होगा, स्टॉक इन ट्रेड नहीं. एक्चुअली रियल लाइफ में सिर्फ दो ही चीजें परचेस हो सकती है, एक स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है और एक रॉ मटेरियल हो सकता है. स्टॉक इन ट्रेड कौन बाय करेगा? जो ट्रेडिंग करता है वो स्टॉक इन ट्रेड बाय करता है. सही है सर? नो. जैसे चेयर का डीलर, ये चेयर का डीलर क्या बाय करेगा? चेयर बाय करेगा. ऑनलाइन लेवल देख लो यार, जिम करनी चाहिए मुझे यार. सो ये इसको बाय कर कर क्या करता है? इसको सेल. वो क्या बाय करता है? स्टॉक इन ट्रेड. बट अगर कोई व्यक्ति फिनिश गुड्स बना रहा है, चेयर को बना रहा है, तो बेटा जी वो क्या बाय करेगा? रॉ मटेरियल. इसीलिए शब्दों का उच्चारण कितना इंपॉर्टेंट हुआ. अगर ट्रायल बैलेंस में शब्द मिला या आउटर कॉलम में शब्द मिला फिनिश गुड्स, तो वो क्या बाय कर रहे? रॉ मटेरियल. और अगर आपको शब्द मिला स्टॉक इन ट्रेड, तो वो बाय क्या कर रहा है? स्टॉक इन ट्रेड. कई बार तो है ना फिनिश गुड्स यूज कर छोड़ देता है ऐसे ही शब्द, फिर तुमको दिमाग लगाना पड़ता है परचेस कौन सा है. तो ये परचेसेस बनेगा किसका? रॉ मटेरियल. सर इससे क्या बड़ी बात हो जाएगा? अबे बड़ी बात हो जाएगी बे, सुन ले चमन, इधर देख. अगर रॉ मटेरियल होगा तो रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट है, आपको कंज्यूम निकालना पड़ता है, और फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग. रॉ मटेरियल का रूल क्या बना? ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग. और राजा बेटा जी, इधर स्टॉक इन ट्रेड अगर लिया तो उसका हम लेते हैं परचेसेस. मुझे पता है तुमको घंटा नहीं समझा, सुनो इधर आओ, करने के रहे ओवर एक्टिंग, करो ना थोड़ी सी ओवर एक्टिंग, कभी की नहीं गया. इधर आओ, अंडी बंडी शंडी, इधर आओ इधर आओ, इधर इधर मेरी बात सुनते हो तुम. मैं आपको बता रहा हूं, बैलेंस शीट में या पी एंड एल अकाउंट में ये आइटम जाएंगे, रॉ मटेरियल का कंज्यूम्ड जाता है. रॉ मटेरियल का क्या जाता है? और जो स्टॉक इन ट्रेड है उसका क्या जाता है? परचेसेस. किसी को बताना नहीं, दो लड़कों को प्यार हो गया नीचे. कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, खुश हो गए? बोले सर मैं ही हूं. कांग्रेचुलेशन बड़ी. अभी क्या नाम लेना उचित नहीं है सर, उसको पिन पॉइंट कर दे, फिर क्या सबको पता चल जाएगा. सो मैं आपको एक बात बता रहा हूं. हाँ नहीं नहीं मैं वापस बताऊंगा, डोंट वरी. बट मेरे को मस्ती करते ही पड़ा, सीरियस हो जाऊंगा बैंड बज जाएगी. अरे सांस ले तू, बस तू बस सांस ले, तेरे जिंदा रहेगा, बाकी कुछ नहीं कर. और अभी क्या जो चल रहा है ना, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, बेसिक पढ़ा रहा हूं बस. अभी तुमको क्या समझा कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? तीन. तीन तो पता चले ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, और एक है बे स्टॉक इन ट्रेड. वैसे तो और एक है लूज टूल्स, वो बताया नहीं, तो मुझे पता तू डर जाएगा इसलिए मैंने नहीं बताया. चार के बारे में डिस्कस करें. सो सर जो रॉ मटेरियल होता है ना, क्या होता है? रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल का खर्चा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कंज्यूम्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग. बोल के बता कौन सा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग. ये किसके लिए यूज करेंगे बेटा जी आप? रॉ मटेरियल के लिए. गड़बड़ करोगे, बेस्ट है. और स्टॉक इन ट्रेड के लिए सर डायरेक्टली परचेसेस लिखेंगे. सर मुझे याद नहीं आ रहा, कमी नहीं बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में तुम क्या लिखते थे? थप्पड़ लगाऊं? नहीं, सिर्फ मुझे इसके बारे में बताओ, स्टॉक इन ट्रेड का क्या लिखते थे? परचेसेस लिखते थे ना,
मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूँ शांति से, प्रेम से, स्टॉक एंड ट्रेड का क्या लिखते थे? परचेसेस लिखते थे ना, तो जिनको याद नहीं आ रहा ये देखो ऐसा लिखते थे क्या, जानबूझ के आवाज निकाली नहीं आती है, देखो फूंक मार के दिखा सकता हूं कुछ भी तुमको हंसी ऐसी फालतू चीजों पे आती तो क्या करूं, ये ट्रेडिंग अकाउंट ओके। इधर मेरे रसगुल्ले मैंने क्या लिखा, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा बेटू, ये टू परचेसेस लिखा, ये बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा, से यस। कौन से कमीने बच्चों को यह बात पता नहीं है, गुड, तो आपको पता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आरएम रहा आरएम 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 तो मैं हाँ रॉ मटेरियल, वो आरएम बोले तो रॉ मटेरियल, गुड गुड गुड, रॉ मटेरियल है ना बेटा, मैं आपको ये बोल रहा हूं रॉ मटेरियल के केस में ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, क्या गलत बोल रहा हूं, सही तो बोल रहा हूं, एम आई नॉट सेइंग करेक्ट? यस, मैं बोल रहा है रॉ मटेरियल के केस में उसको एक फिगर में बांधकर हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, कर सकते हैं। बट अगर रह गया कौन सा आरएम गया ट्विंग, ये बन गया स्टॉक इन ट्रेड सेस, तो उसका क्या लिखते बताएंगे हम, परचेसेस। सर बट ये ओपनिंग का और क्लोजिंग का क्या करने का, वो सिखाऊंगा मैं आपको, क्या बता रहा हूं, रॉ मटेरियल का क्या लेते हैं कंज्यूम्ड, बट बेटा जी स्टॉक इन ट्रेड का क्या लेते हैं हम, सिर्फ परचेसेस। सर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या करने का, बताऊंगा। वैसे और एक चीज होती है फिनिश गुड्स, हो सकती है कि नहीं, फिनिश गुड्स हुआ तो उसका परचेसेस नहीं हो सकता, काय को नहीं हो सकता, काय को नहीं हो सकता, क्योंकि फिनिश गुड्स परचेस नहीं होता, फिनिश गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, से यस, फिनिश गुड्स क्या होता है, बेस्ट। नाउ द थर्ड फोर्थ, वर्क इन प्रोग्रेस खरीदा जा सकता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, बनता है, सो परचेस नहीं हो सकता। तो बेटा जी अगर मैं ये चीजें लिख रहा हूं तो आप मुझे बताना कि मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं, ये आरएम है, ये स्टॉक नहीं, एक काम कर स्टॉक इन ट्रेड है ओके, ये उसका अकाउंट, ये उसका अकाउंट, और ये फिनिश गुड्स है, ये इसका अकाउंट, और ये डब्ल्यूआईपी है, ये उसका अकाउंट, हैप्पी बेटा। मैं अगर कुछ गलत लिख दूं तो मुझे बता देना, ओपनिंग आरएम का ओपनिंग स्टॉक रहेगा क्या ट्रेडिंग अकाउंट में, ये सबके ट्रेडिंग बनाया बेटा मैंने, ट्रेडिंग मतलब हर चीज का इंपैक्ट कैसे जाएगा, इसका ओपनिंग रहेगा, परचेस रहेगा, क्लोजिंग रहेगा, बेस्ट है। दूसरा स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग रहेगा, परचेस रहेगा, क्लोजिंग रहेगा, फिनिश गुड्स ओपनिंग रहेगा, क्लोजिंग रहेगा, परचेस रहेगा, ले व्हाई नॉट परचेस, क्योंकि वो बनाया जाता है सर, वो परचेस नहीं करते हम, बनाते हैं। टाटा मोटर्स येड़े सर कार बाय नहीं करती है, बनाकर बेचती है येड़े, उसका परचेस कैसे रहेगा, वो रॉ मटेरियल बाय करते हैं। अरे येड़े नेस्ले सर को, मैं तुम मेरे को बता रहे ठीक है ना, फील इट, उस लेवल पर आओ, तुम मेरे को बोले क्या भाई येड़े सर सुन, नेस्ले है ना मैगी बनाकर बेचती है, बाय कर नहीं बेचती, हाँ सैमसंग टीवी बनाकर बेचती है, खरीद कर नहीं बेचती, इसीलिए फिनिश गुड्स का परचेसेस नहीं होता है। तो इसके कितने आइटम हुए, ओपनिंग और क्लोजिंग, वाव, वर्क इन प्रोग्रेस मिलता है, आधा बना हुआ माल मिलता है। सो बेटा जी वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्या रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। पहले तो यह बात बताओ मुझे, रॉ मटेरियल के कितने आइटम होते हैं, तीन, ओपनिंग परचेसेस और क्लोजिंग, फिनिश गुड्स के कितने आइटम होते, दो। कॉपी करके जा रहा है सीक्वेंस ऐसे, तो मुझे बताओ फिनिश गुड्स के कौन सा होता है बेटा जी, ओपनिंग क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी का कौन सा होता है, ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग प्लस परचेसेस और क्लोजिंग। बेटा जी उसमें से मैं भी आपको आज ट्रीटमेंट समझा रहा हूं, आरएम का ट्रीटमेंट ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, बोलो बोलो बोलो, आरएम का ट्रीटमेंट क्या है, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। तुम बोलेंगे ऐसा क्यों, अबे सिंपल है ना, ट्रेडिंग को देख ले, ओपनिंग प्लस परचेस दोनों ऐड हो गए, क्रेडिट वाला क्लोजिंग क्या कर दिया, माइनस, सही बोल रहे हैं मैं, उसको क्या बोलेंगे, आरएम कंज्यूम्ड, इंग्लिश में बोल के बताओ, आरएम कंज्यूम्ड, इसको कंज्यूम्ड बोल दूं,
तुम्हें पता है ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। बताऊं तुमको कर कर फील करना चाहते हो? ये देखो बेटा, मैंने ओपनिंग लिखा 1 लाख, मैंने परचेसेस लिखा 3 लाख, मैंने क्लोजिंग लिखा 2 लाख। नको 2 लाख नको, थोड़ा सा फिगर चेंज कर दे। कौन से गंदे गंदे फिगर लिख दिए मैंने? ये लिखो 10 लाख, ये लिखूंगा 15 लाख, और ये लिखूंगा 3 लाख। तो मुझे बताओ तुम कैसे लिखते थे? इसका नेट इफेक्ट अगर क्या मैं लिख सकता हूं क्या डेबिट साइड में? 10 10 प्लस 15 इज 25 25 माइनस 3, कैन आई नॉट राइट डाउन अल्टरनेटिव फिगर 22? ये आपने 11 12th में पढ़ा था, बीकॉम में पढ़ा था या फाउंडेशन में पढ़ा था? क्या मैं इसका अल्टरनेटिव 22 लिख सकता हूं? यस। सो बेटा जी, मैंने भी यही बोला, आरएम कंज्यूम्ड निकालते हैं, और आरएम कंज्यूम कहां जाएगा? पी एंड एल डेबिट साइड में। बैलेंस शीट में जाएगा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो? क्योंकि बेटा जी अगर मैं नेट भी लिखूं ट्रेडिंग में, स्टिल बैलेंस शीट में तो जाएगा ना यार। मैं इधर नेट 22 लिख दूं तो ट्रेडिंग का काम खत्म हुआ, बट बैलेंस शीट में तो जाएगा ना क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो? किस बच्चे को नहीं समझा? बेस्ट है ये। दूसरे वाले के बारे में बताओ क्या? इसके अंदर हम लिखते हैं परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। बेटा सेम फिगर ले लूं, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कितना लिखूं? 10 15 3, 10 15 3। सो परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड हम लिखेंगे 15, से यस। और एक और हेडिंग लिखेंगे हम, इधर तीनों में ही एक ही चीज लिखेंगे, उसका नाम है चेंजेस इन इन्वेंटरी, चेंजेस इन इन्वेंटरी। जैसे अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड की बात करूं तो स्टॉक इन ट्रेड के लिए चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या बोलेंगे? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बेटा हाउ मच इज ओपनिंग? 10, एंड हाउ मच इज क्लोजिंग? 3। सो 10 माइनस 3 इज हाउ मच? बेटा जी आपके पी एंड एल अकाउंट में ये स्टॉक इन ट्रेड का ट्रीटमेंट ऐसे होता है कि आप 15 लिखोगे और चेंजेस इन इन्वेंटरी 7 लिखोगे, तो 15 और 7 कितना हुआ? 22। क्या उतने का इंपैक्ट जाना चाहिए था क्या? नहीं समझ रहे? नहीं समझे ना? मैं आपको क्या बता रहा हूं, रॉ मटेरियल का तो आपको पता चला कंज्यूम्ड लिखते हैं, स्टॉक इन ट्रेड का ऐसा नहीं होता है। स्टॉक इन ट्रेड का प्रेजेंटेशन कैसा है? वो बोल रहे कि पहले आपने परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखो, तो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है बेटा जी? यू विल राइट डाउन 15, क्लियर है? और बेटा जी चेंजेस इन इन्वेंटरी लिखते हो, चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एक बार इंग्लिश में बोल के बताओ चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? 10। क्लोजिंग कितना है? 3। सो 10 माइनस 3 कितना आया? 7। सो सेम इंपैक्ट चला गया ना, 10 माइनस 3 7 चला गया, सही है यस और नो? राजा बेटा जी मैंने आपको यह बताया, रॉ मटेरियल का कंज्यूम्ड निकालते हैं, स्टॉक इन ट्रेड का परचेसेस लिखते हैं, और चेंजेस इन इन्वेंटरी। अब चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला पूरी क्लास बताएगी मुझे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हम एक्चुअली इंपैक्ट बेटा 11 12th का ही दे रहे हैं, 11 12th में भी हम ओपनिंग परचेसेस और क्लोजिंग ऐसे लिखते थे, अब उसको दिखाने का तरीका अलग अलग है। तो हम परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अलग से लिखेंगे और चेंजेस इन इन्वेंटरी लिखेंगे। चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। जैसे रॉ मटेरियल के अंदर भी हम सेम चीज ही कर रहे हैं, बट उधर फॉर्मूला क्या है? कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। ये आपने सेम किया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, जिन्होंने किया होगा। एनी विच वेज, फिनिश गुड्स का अगर सपोज मान लो हम बात करें, तो इधर है 10, 10 है, 10 कितना है भाई? 10, और ये कितना है? 3। बताओ मुझे कितने का इंपैक्ट जाना चाहिए? सो फिनिश गुड्स का भी वर्ड यूज करते चेंजेस इन इन्वेंटरी। और वर्क इन प्रोग्रेस मान लो इधर कितना है डेबिट में? 10, और इधर कितना है? 3। सो हम क्या करेंगे? 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 7। तो बेटा जी 7 का इंपैक्ट कैसे देना है? तो रॉ मटेरियल का कंज्यूम्ड आता है, स्टॉक इन ट्रेड का परचेसेस आता है, एंड चेंजेस इन इन्वेंटरी। चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का आता है सिर्फ चेंजेस इन इन्वेंटरी, और चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। कुछ प्रॉब्लम हुई? समझे? मैं बताऊं अभी आपको वापिस, अब मुझे ज्यादा कुछ बढ़ाना नहीं, खत्म हो गया अभी। पहले इन्वेंटरी बता दो कितनी टाइम की। ए तुम टेंशन क्यों ले रहे? मैं है ना इधर, तुमने क्या करते रहना बस, वही डालेगा तुम्हारे ब्रेन में होल करके। ज्यादा बड़ा मत होने देना, नहीं तो दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है? तो तुम सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा है। पहला, कितने टाइप की इन्वेंटरी है? एक थप्पड़ लगाऊं उल्टे हाथ की अभी? तुम कम हो जाओगे, एक मैं पहले ही बोल रहा हूं। चलो वापिस बताओ कितने टाइप की इन्वेंटरी है?
जो नहीं बोला वापिस से एक बार अंडी बंडी शंडी के साथ पूरी क्लास बोलेगी। मुझे अच्छी बात है क्या ये ऐसा करना मेरा? इज इट गुड? नो। थैंक यू। सो राजा बेटा जी, ऑनलाइन लाइव वाले आप भी अभी ध्यान से सुनेंगे, मैं इसको समराइज कर रहा हूं और बहुत जल्द आपके दिमाग में जाने वाला है और अब आप इसको लेकर जाने वाले अपने साथ घर। और जब आप आज क्लास के बाहर निकलो तब ऐसा फील करना, जब बस में चढ़ो, जब किसी को देखो, स्पेशली फाउंडेशन के बच्चे को देखो, तो देखना उसको नहीं आता है मेरे को आता है, एंड फील हैप्पी। ये आप कब फील हैप्पी कर पाओगे? जब कुछ नई चीज सीख के जाओगे। खुद की अहमियत को बढ़ाने का इससे भारी तरीका नहीं है। बचपन में अपन करते थे ना, जब अपने पास कोई नया टॉय आता था, नया वाटर बॉटल आता था, नई स्केल आती थी, अपन किसी के बाप से नहीं डरते थे, टीचर से लेकर प्यून से लेकर सबको दिखाते थे। ये देख, जब पहली बार वॉच पहनी थी याद है क्या? बार बार घड़ी में टाइम देखना। पहली बार मोबाइल मिला था तब, अगर सेकंड हैंड नहीं मिला होगा तो उस केस में मोबाइल निकाल निकाल के फोटो लेने का सब काम किए थे। अभी वैसा ही करने का। आज किसको दिखाने का? तुमको। मैं भारी दिखा क्या ना, थोड़ा जलील कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? गुरुकुल के बच्चे पूछने का, उसको मालूम है क्या क्या कैसा था? नहीं मालूम। सुनते अभी कितने टाइप की इन्वेंट्री? चार। पहली वाली, दूसरी वाली, कौन सा, तीसरा वाला, चौथा वाला। मेरा मुद्दा यह है कि जो आप 11 12th में फाउंडेशन में सीख क्या है, वही ट्रीटमेंट मैं आपको कंपनी फाइनल अकाउंट के हिसाब से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। कंपनी फाइनल अकाउंट तो सीख ही नहीं रहे, बट हमने ये सीखा हुआ है हमारे बचपन में कि सर ट्रेडिंग में हमको सिखाया था सुंदर टीचर ने, बेटा डेबिट में लिख ओपनिंग, फिर लिख परचेसेस, फिर लिख क्लोजिंग, बोला था कि नहीं? सो अब वही सेम चीज, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ये किसके लिए है? सो रॉ मटेरियल का बेड़ा गर्क, उसका क्या हो गया? ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, बात खत्म। बट अगर मैं बात करूं स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड परचेस होता है। सो हम क्या करेंगे, उसका क्या लेंगे? परचेसेस। अभी उसके दो आइटम बाकी रहे, कौन सा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, चेंजेस इन, चेंजेस इन, चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला बेस्ट है। वर्क इन प्रोग्रेस बाय करते तुम, वर्क इन प्रोग्रेस बाय करते तुम, तो उसमें तो परचेसेस आ ही नहीं सकता, तो उसमें तो सिर्फ दो ही आइटम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो क्या करेंगे उसका? ओपनिंग माइनस रसगुल्लो लास्ट वाला, इसको बोल देना, नहीं तो मामा और बुआ बन जाओगे। मामा बुआ का मतलब बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। मामा बुआ नहीं बनने का, अगर मैं आपको बोलूं फिनिश गुड्स अभी बात करी क्या? वर्क इन प्रोग्रेस बोला। सो वर्क इन प्रोग्रेस का परचेस रहता है क्या? सो वर्क इन प्रोग्रेस के सिर्फ दो आइटम रहते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग रहता है, तो उसको किस तरीके से वर्कआउट करते हैं? चेंजेस इन इन्वेंटरी कैसे करते हैं? बेस्ट है। आई होप यू पीपल गॉट दिस पॉइंट। सो रॉ मटेरियल का क्या लेते हैं जल्दी से बताओ? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। स्टॉक इन ट्रेड को दो हिस्सों में डिवाइड किया, उसका परचेस अलग से लिखते हैं और चेंजेस इन इन्वेंटरी ओपनिंग अलग से लिखते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिनिश गुड्स को, पर उसका परचेस क्यों नहीं है? क्योंकि उसका लॉजिकली परचेस हो ही नहीं सकता, वो बनता है सेस। और चौथा वाला आइटम कौन सा है? वर्क इन प्रोग्रेस का क्या करते हैं? उसका परचेसेस रहता है क्या? तो उसको कैसे करते हम? कितने प्यारे बच्चे हो तुम, कुची कुची कु। सुन लो, अभी मैं छोड़ दूंगा, सुनो मेरी बात। राजा बेटा जी, मेरे पास अगर तुमसे कोई मिलने वाली चीज है तो वो एक ही है, और वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि जब मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था तब आपको ये हिच आ रही थी कि सर क्या बोल रहे हो, सर कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है, कहाँ से चीजें चल रही। ये दो मिनट कोई बुक पैक नहीं करेगा, मेरे बोले भी ना कुछ नहीं कर दिया ना, अंडी बंडी शंडी, हाँ आपने बस, नीचे भी कोई नहीं करेगा, हाँ मैं बोलता अभी लोग उठा के लेके जाते तुझे ऐसे, बट छोड़ अभी मैं तुमको क्या बोल रहा हूं। देखो, मेरे पास तुमसे मिलने वाली चीज एक ही है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस।
और ध्यान से सुनना कि इसकी धज्जियां मत उड़ाना। मैं बेसिक्स इसीलिए शुरू किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं तुमको प्रेशर डाले बिना इंट्रोड्यूस कर दूं, और वो मैं कर रहा हूं, और उसके बाद में आप आराम से इसको हैंडल कर लोगे, मैं श्योर हूं। तो इसमें से कोई चीज नहीं समझी तो क्यों टेंशन लेना, नहीं लेना। बट तुमको ट्रेडिंग अकाउंट आपका याद आया बचपन का, उसमें ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो वही फिगर आता है, ये क्लिक हुआ। फिर अगर मैं बोलूंगा कि फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स का परचेसेस नहीं होता, क्या ये क्लिक हुआ? फिनिश गुड्स का परचेसेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई साहब वो मैन्युफैक्चर होता है, तो परचेस कैसे होगा? स्टॉक एंड ट्रेड मतलब जिसके अंदर हम ट्रेडिंग करते, तो उसका क्या होता है? परचेसेस। तो बेटा जी हमें ये पता चल गया कि कुछ केसेस में दो आइटम होते हैं, कुछ केसेस में तीन आइटम होते हैं। जहां पर तीन आइटम होते हैं उसके दो ट्रीटमेंट है, एक है रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, और स्टॉक एंड ट्रेड का ट्रीटमेंट है ओपनिंग सॉरी आप परचेसेस अलग से दिखाते हो और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिखाते हो। उसको क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? चेंजेस इन इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के लिए क्या शब्द यूज करते? चेंजेस इन इन्वेंटरी। और चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। डू यू एग्री? बेटा जी अब मैं आपको आज और एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, कोई सीरियसली मत करना। दो होमवर्क हो गए, पहला वाला सेक्शन नंबर बताएंगे, कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, क्या ये बताओगे? और तीसरा होमवर्क है फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, जो बचपन में देखा था उसका ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको देखना है, सिर्फ देखना है। क्या करेंगे और शुरुआत में सिर्फ देखने का? सो व्हाट आई गोना डू, यू आर गोना सी द फॉर्मेट एंड गोना कम बैक विद द क्लासिफिकेशन, इज दैट ओके? बेटा जी और सुन लीजिए, शुरुआत के कुछ दिनों में एक चीज हो सकती है कि आपको शायद गलत गाइडेंस मिल जाए। मैं आपको फिर दोबारा आज आश्वासन देना चाहता हूं एसपीसी के तौर पर, यह बहुत जरूरी है कि बेटा जी आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो बिना आपके पूछे आपको कुछ एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, ऐसा होगा आपके साथ। धंधा है, गंदा है पर धंधा है, तो आपको बिना पूछे लोग कुछ एडवाइस देंगे। ट्रस्ट मी यू आर इन सेफ हैंड्स, आपका सारा का सारा करिकुलम इन टाइम कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा एंड विथ राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट होगा। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि जरा निश्चिंत रहना और रिलैक्स रहना, इज दैट ओके? प्रेम से बाय बाय बोलो, जाते हो एक स्माइल दो, वेरी गुड लवली। मेरे ऑनलाइन के रसगुल्लो ध्यान रखो अपना, नहीं ऐसे नहीं करते बेटा, डोंट गेट डिमोटिवेटेड ओके? सो मेरे ऑनलाइन के रसगुल्लो ध्यान रखना अपना, लॉट्स ऑफ लव। जैसे एसपीसी ऐप में शिफ्ट होंगे आपसे और अच्छे से बातचीत होती रहेगी, है ना? सर आप ऊपर देख के नीचे क्यों बोलते हो? उसको समझ भी नहीं आता मैं ऐसे देख करके बोलता हूं। नीचे भी बच्चे बैठते हैं, या बाय बाय, वो बताऊंगा।